गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी आ जाओ, स्टार्ट करें हम लोग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग आकाशदीप। हाँ जी बताओ बेटा, एम आई ऑडिबल? स्टार्ट करते हैं हम लोग। दो बिल रिसेंटली हम लोग डिस्कस करेंगे, एक जनविश्वास बिल और इसके इमीडिएट बाद इसी से मिलती जुलती न्यूज़ दूसरी है, दैट इज रिवाइज्ड फार्मा मैन्युफैक्चरिंग रूल्स। दोनों न्यूज़ एक जैसी ही हैं, इस करके हम इनको एक ही टाइम पर डिस्कस करेंगे। दैट इज इन द ईयर 2023 पार्लियामेंट इनेक्टेड अ सिग्निफिकेंट लेजिस्लेचर नोन एज जनविश्वास एक्ट 2023। दिस ले इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट्स ऑफ 42 एग्जिस्टिंग स्टेटस thereby decriminalizing approximately 180 offenses। देखो बेटा, अंग्रेजों के टाइम से बहुत सारे लॉज ऐसे थे जो बने हुए थे और इनिशियली देवर क्रिमिनलाइज्ड, और बीजेपी गवर्नमेंट आ जाने के बाद उनमें बहुत सारे लॉज थे जिनको डीक्रिमिनलाइज किया, और उसके पीछे एक बेसिक रीजन ये था कि देवर लिंक टू ईच अदर। अब जैसे किसी इलाके में आपको फैक्ट्री लगानी है और फैक्ट्री लगाने के लिए आपको वहाँ पर कुछ पेड़ काटने हैं, अगर पूरे जंगल काट दोगे तो लॉ तो फिर तो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। अगर आपने कुछ पेड़ काट दिए, दो तीन चार पेड़ काट दिए, वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में आते थे और वो क्रिमिनलाइज्ड थे, इट मींस आपको जेल भेजा जा सकता था। उसकी जगह पर इन्होंने क्या किया, उसके लिए मॉनेटरी फाइन लगा दिया कि आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा, उसके बाद फाइन पे करके आप अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो इंटरलिंक्ड थे, आपस में लिंक्ड थे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं कुछ लॉज, कुछ इन्वायरमेंट्स रिलेटेड थे, कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, तो देवर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इंटरलिंक्ड लॉज थे। तो उसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में काम करना नहीं चाहता था और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग बहुत पीछे थी, और गवर्नमेंट ने उसको क्योंकि सुधारना था, क्योंकि हमें फॉरन इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरन इन्वेस्टमेंट जो अट्रैक्ट है, अट्रैक्ट करने के लिए एक ही तरीका कि आपके यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, काम करना आसान होना चाहिए, कोई भी इंडिविजुअल कंपनी या कोई इंडिविजुअल फाइन पे कर उसके बाद काम करना शुरू कर दे। तो यहाँ पर देवर नंबर ऑफ लॉज like 180 offenses across various sections such as environmental, agriculture, media, industry, trade, publication. The primary objective behind these amendments was to eliminate legal impediments that hinder the ease of conducting business within the country. तो ऐसे कई सारे जो laws थे, जो unwanted laws थे, एक बार हमने discuss भी किया था, एक law का provision ये चलता था 2015-16 तक, वो law चल रहा था कि अगर आपको 20 रुपये कहीं पर पड़े मिले और आपने सरकार को इन्फॉर्म नहीं किया, 20 रुपये से ज़्यादा कहीं पड़े मिल गए आपको, 50 रुपये आपको पड़े मिले कहीं और आपने सरकार को इन्फॉर्म नहीं किया या पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, तो पुलिस के पास 2015-16 तक भी अथॉरिटी थी कि आपको 50 रुपये अगर मिले हैं तो आपको जेल में बंद कर सकती थी, और उसके बाद फिर आपको कोर्ट में लेके जाएंगे, इसको 50 रुपये मिले थे, लॉ था, वो मिले या नहीं मिले पुलिस पकड़ सकती थी। इसका मतलब जानबूझ के आपको तंग करने के लिए आप UPSC का पेपर देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके पड़ोसियों ने आपके घर के बाहर 500 रुपये का नोट फेंक दिया, आपने पैसे उठा लिए, उन्होंने पुलिस को कंप्लेन कर दी कि इन्होंने जी लॉ ये कहता है कि इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, पुलिस को भी उसको अरेस्ट करना पड़ेगा कि प्रोविजन ही यही है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे लॉज थे जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खत्म कर दिया, रिसेंट गवर्नमेंट ने खत्म किया है और जनविश्वास एक्ट के अंडर। और रैशनल ऑफ डीक्रिमिनलाइजेशन, इंडियन पीनल कोड एम्पावर द स्टेट एग्जीक्यूटिव विद ओवर 25,000 प्रोविजनल लीडिंग टू द इम्प्रिजनमेंट even for the minor infections, notably more than 5,000 of these provisions stem from the central legislation. So central legislation se wo start hote hain. Illustrative examples include the Factories Act 1948, accompanied by 58 rules featuring over
8,682 इंप्रिजनमेंट क्लॉजेस. तो देयर आर नंबर ऑफ इंप्रिजनमेंट क्लॉजेस कितनी 8,682 इंप्रिजनमेंट क्लॉजेस थी. सिमिलरली द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 हैज 391 इंप्रिजनमेंट क्लॉज विद द 29 रूल्स. द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 एंड 558 क्लॉज अक्रॉस 35 रूल्स एंड मोटर व्हीकल एक्ट 1998 प्रोसेसिंग 134 क्लॉजेस ऑफ कंजंक्शन विद द 9 रूल. देयर वर नंबर ऑफ लॉज जिनके थ्रू आपको इंप्रिजनमेंट किया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है. द जनविश्वास एक्ट थ्रू एड्रेसिंग मेयरली 2% ऑफ 5,239 इंप्रिजनमेंट प्रोवाइडिंग द सेंट्रल लेजिस्लेशन सर्व्स एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ब्रॉडर रिफॉर्म्स कंसर्न रिगार्डिंग ओवर क्रिमिनलाइजेशन लॉज फेलियर ऑफ द डाइटी ऑफ क्रिमिनलाइजेशन. तो इश्यू इनकम पासेस करप्शन ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप एंड कंप्लायंस अप्रूव्ड अनड्यू रेगुलेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज selective application of imprisonment clauses and ambiguously drafted laws and discrepancies between the formulation interpretation practice and enforcement of laws. to ab isse kya ho raha hai ki jab number of laws honge to uske liye red tapeism hoga aur har kaam ko karane ke liye linger on kiya ja sakta hai. agar aapko kaam karne ki jaldi hai to uske piche hiccups hain. there are number of hiccups और इन हिकअप्स के पीछे गवर्नमेंट प्रोविजंस हैं, गवर्नमेंट लॉज हैं. दे कैन क्रिएट दीज हिकअप्स जस्ट टू टेक द ब्राइब. तो इससे करप्शन बढ़ रही थी और उसके साथ साथ इंडिया में इन्वेस्टमेंट अफेक्ट हो रहा था. इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा था बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इररेलेवेंट लॉज. एंड उसके साथ साथ एक प्रोविजन ये था कि अगर आपको कोई फैक्ट्री लगानी है और उसके लिए कोई लैंड आपको डिस्ट्रीब्यूट की है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट से भी, क्योंकि उसके आसपास अगर जंगल था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट से आपको इन्फॉर्मेशन जो है परमिशन चाहिए. फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से परमिशन चाहिए. उसके बाद फिर आपको फलाना ढिमकाना जो एनवायरनमेंट है डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड तो गवर्नमेंट ने इन सबको खत्म किया था 2023 के जनविश्वास एक्ट के अंदर. इश्यूज इन कंपासेस करप्शन ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप एंड कंप्लायंस अप्रूवल अनड्यू रेगुलेशंस एंड उसके बाद कॉन्ट्रेरी टू द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस. मोदी गवर्नमेंट जब से पावर में आई थी, ये पावर में आने से पहले भी उनका स्लोगन यही था कि That is minimum government and maximum governance. तो काम करना आसान हो, सरकार की इंटरफेरेंस सरकार की ऑब्स्टेकल कम से कम हो, हिकअप कम से कम होने चाहिए. उसके बाद एडवांटेज ऑफ डीक्रिमिनलाइजेशन मिटिगेट्स करप्शन ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल्स फॉस्टरिंग अ बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट एंड कैटलाइजिंग जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन. इजेस फॉर बर्डन फॉर द जुडिशियल सिस्टम जनविश्वास 2.0 गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड इट्स कमिटमेंट टू द सेकेंड iteration of the Janvishwas Act aiming to further decriminalize various offenses. The initiative aims to combat corruption, elevate wages and encourage the growth of productive enterprises. Way forward kya hai? Government should adhere to pre-legislative consultative policy allowing public participation in the legislative process. Government committed characterized by cognitive diversity must establish criteria for decriminalize by addressing the limitation of Janvishwas Act. Subsequently, each central ministry should work towards eliminating the 5,000 plus imprisonment provisions that fall outside the committee's criteria. So, 5,000 jo provisions the, unko remove kiya jo imprisonment se related the. Iska matlab now fine pay karke bahut sare chote chote aise kaam the jinko fine pay karke bhi aap kiya ja sakte. Iska matlab monetary fine lagaye ja sakte hain instead of jail mein dal dene se. तो उसके साथ ही रिलेटेड न्यूज है. नेक्स्ट, रिवाइज्ड फार्मा मैन्युफैक्चरिंग रूल. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नोटिफाइज रिवाइज्ड रूल फॉर द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस. अब फार्मास्यूटिकल सेक्शन के अंदर इसको रेगुलेट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत क्यों हुई? इंडिया इज कॉल्ड द फाउंटेन ऑफ फार्मास्यूटिकल या फार्मेसीज इन द वर्ल्ड. इट मीन मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो जेनेरिक मेडिसिन बनाती हूँ इंडिया में पहले से एस्टेब्लिश्ड हैं और उसके अलावा बहुत सारी नई मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज और इंडियन लॉज. अगर कोई मेडिसिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और प्रोविजन है इंडिया के अंदर लॉ का तो वो मेडिसिन इंडिया में मैन्युफैक्चर की जा सकती है. मतलब कुछ मेडिसिन जैसे थी जिनके पेटेंट राइट जो हैं वो यूरोपियन कंपनीज के पास हैं और उस तरह की मेडिसिन इंडिया में बनाने के लिए. फिर उसके बाद इंडिया क्योंकि उसकी हब है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तो इंडिया से बहुत सारी कंट्रीज़ को मेडिसिन भी जाती है. उसमें हम लोगों ने देखा कि लास्ट ईयर कुछ ऐसी मेडिसिन जो थी जो अफ्रीका पहुंची उससे कई सारे बच्चों की डेथ हो गई. तो गवर्नमेंट स्टार्ट फोकसिंग हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को हमारे यहाँ पर फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं उनके ऊपर इम्पोज करेंगे. उसके बाद
थोड़ी रिलायबिलिटी डेवलप करने के लिए प्लस थोड़ी आंसरेबिलिटी डेवलप करने के लिए हम इन मेडिसिन को रेगुलेट करते रहेंगे, कंपनीज को रेगुलेट करते रहेंगे। और उस प्रोसेस के अंदर दो रिवाइज फार्मा मैन्युफैक्चरिंग रूल्स आए, तो उसमें क्या आया, इन द रीसेंट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज इशूड रिवाइज रूल्स एमिंग टू इंश्योर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड एस्टैब्लिश अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रमाइसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, प्रमाइसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो ये सभी लोग जो जो चीजें इन्वॉल्व हैं उन सबको रेगुलेट करने के लिए सरकार प्रोविजन कर रही है। These updates regulation fall under the Schedule M of a Drug and Cosmetic Rule 1945 and will be officially referred to as the Drug Amendment Rule 2023. What is Schedule M? Schedule M is a part of Drug and Cosmetic Act 1940. It is a GMP. GMP, Goods Manufacturing Practice. It is a GMP for pharmaceutical that should be followed by the pharmaceutical manufacturing units in India. It is part of quality assurance, which ensures that the products are consistently manufactured and controlled to quality standards appropriate to the intent to use. इसका मतलब ये कि पहली बात है उनको रेगुलेट करता है, उसके बाद ये है कि इनकी क्वालिटी अच्छी है और उसके साथ एश्योरेंस की क्वालिटी की एश्योरेंस देता है और कंसिस्टेंटली मैनुफैक्चर हुए हैं, उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है जो भी इंडिया में इस तरह की जो भी मेडिसिन बनी हैं। तो इसके लिए ये टर्म आती है GMP है, आगे चल के इसी में GMP टर्म आएगी। और प्रमाइसिस प्लांट इक्विपमेंट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, द अपडेट रेगुलेशन फॉल्स अंडर द शेड्यूल एम ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 एंड विल बी ऑफिशियली रेफर्ड टू एज ड्रग्स अमेंडमेंट रूल 2023। शेड्यूल एम विच आउटलाइंस GMP स्टैंडर्ड्स, ये GMP स्टैंडर्ड्स हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस क्या क्या आता है, क्लियरली डिफाइंड द कंट्रोल प्रोसेस, एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोसीजर, करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शंस, इन्वेस्टिगेट कस्टमर कंप्लेंट्स। उसके साथ साथ यहाँ पर एक प्रोविजन है, सिस्टम टू एड्रेस रिकॉल और सेल सप्लाईज, और ताकि कोई मेडिसिन अगर आपने बेच भी दी है तो उस मेडिसिन को रिकॉल किया जा सके, उसको सेल और सप्लाई को रेगुलेट किया जा सके, इसी से रिलेटेड है GMP। बाकी इसके साथ रिलेटेड फैक्ट्स हैं, आप इसको जाके घर देख लेना क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है उसको करने की। और इसके साथ साथ क्या रहा है, चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएट कंट्रोल, डेविएशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ट्रेसेबिलिटी, क्लीन हाइजीनिक मैन्युफैक्चरिंग एरियाज, रिस्क मैनेजमेंट, वही समझो जहां जो डिस्कस किया है, प्रमाइसिस प्लांट ताकि साफ सुथरा होना चाहिए, गंदगी नहीं हो वहाँ पे। शेड्यूल एम विच आउटलाइंस GMP स्टैंडर्ड्स फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कवर वेरियस एस्पेक्ट्स। GMP बेटा आउटलाइन, शेड्यूल एम, ये शेड्यूल एम और GMP दोनों स्टैंडर्ड फॉर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कवर वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज फैसिलिटी रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस, पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कंट्रोल एंड सेफ्टी टेस्टिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल, रिटर्न प्रोसीजर एंड रिकॉर्ड्स, ट्रेसेबिलिटी एंड मोर, कि आपने मेडिसिन कहाँ भेजी, कितनी भेजी, किस क्वांटिटी में भेजी, उसके बिल, ये सब कुछ रेगुलेट करने के लिए ये प्रोविजन है, बिल है ये। एंड द की हाईलाइट ऑफ द रिवाइज प्रोविजन, द रिवाइज रूल्स इंट्रोड्यूस न्यू कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स, एक्सपेंडिंग द स्कोप टू कवर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, तो उनको कंट्रोल करना है, एंड कंटेन हजार्डियस सब्सटेंसेस लाइक सेक्स हार्मोन, अगर सेक्स हार्मोन को अफेक्ट करते हैं तो उनको भी रेगुलेट करना, उस तरह की मेडिसिन को रेगुलेट करना है, स्टीरॉयड्स एंड साइटोटॉक्सिक्स, साइटोटॉक्सिक्स होते हैं जो हमारे नर्व सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, उसमें टॉक्सिक्स को ऐड करते हैं, उसके बाद साइटोटॉक्सिक्स सब्सटेंस, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स के अंदर आता है जो, जिनमें फाइटोफार्मास्यूटिकल्स मतलब जिनमें आयुर्वेद वगैरह इंक्लूडेड है, तो वो सब आती हैं इसके अंदर, और या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस उसके अंदर इंक्लूडेड है बनाने के प्रोसेस में, एंड इन्वेस्टिगेशनल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंटेंडेड टू क्लिनिकल ट्रायल्स इन्वॉल्विंग ह्यूमन, तो क्या इनके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, इनमें ह्यूमन के ऊपर टेस्ट किया गया है, तो ये सब इसमें चेक करेंगे। तो लार्ज मैन्युफैक्चरर्स ओवर 250 करोड़ टर्नओवर, 6 मंथ्स ऑफ कंप्लायंस, MSME लेस देन 250 करोड़ टर्नओवर, 12 मंथ्स ऑफ कंप्लायंस, तो 12 महीने और 12 महीने से 6 महीने तक का ये प्रोविजन है, 250 करोड़ से कम की टर्नओवर के लिए। ड्रग रिकॉल मैकेनिज्म, द रिवाइज्ड रूल्स एस्टैब्लिश अ प्रोविजन ऑफ नोटिफाइंग अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी अबाउट ड्रग रिकॉल, द इंट्रोड्यूसेस अ मैकेनिज्म टू इन्फॉर्म रेगुलेटरी बॉडीज अबाउट द रिकॉल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एड्रेसिंग प्रीवियसली लैकिंग प्रोटोकॉल, इससे पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि मेडिसिन को आप रिकॉल कर सके, अब ये जो नए रूल्स आए हैं इसके अकॉर्डिंगली आप किसी भी मेडिसिन को रिकॉल भी कर सकते हैं, प्रोविजन ये कहता है कि आप मेडिसिन रिकॉल हो सकती हैं, मान लो कि खराब क्वालिटी की मेडिसिन आपने बनाई हो मार्केट में बेच दी, देन यू वुड बी एबल टू रिकॉल ऑल दोज मेडिसिन, द प्रोविजन सेज द सेम लैंग्वेज। सो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सेज द इंक्लूजन ऑफ फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम टू एनहांस ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल,
So quality risk management, implementation of quality risk management practices to identify and managing risk effectively. Computerized storage system, तो आपके पास डाटा रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा, आपने कितनी मेडिसिन भेजी, कितनी गोलियां, कितने पत्ते थे, और उसके अंदर क्वालिटी चेक तो गवर्नमेंट पहले से कर ही रही है. सो रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड स्टोरेज. उसके बाद दीज चेंजेस मेक अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन अलाइनिंग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस विद इवॉल्विंग स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी. द इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन अलाउज बोथ लार्ज मैन्युफैक्चर एंड एमएसएमईज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस adequate time to adjust their operations accordingly. The provision of drug recall reporting addressing a crucial aspect of ensuring the safety and quality of pharmaceutical products. और हमने थोड़े दिन पहले बेटा आयुष से रिलेटेड कुछ न्यूज की हैं, आप उसको याद कर लेना, एक बार देख लेना उन न्यूज को. उन न्यूज को इस न्यूज के साथ मतलब रिवाइज फार्मा मैन्युफैक्चरिंग रूल्स और उसके साथ साथ ये जन विश्वास एक्ट, ये तीनों को जोड़ के पढ़ो. ये वाली न्यूज जो पहले हम लोगों ने आयुष से रिलेटेड न्यूज की थी, जहां पे गवर्नमेंट वो कह रही है कि डाटा दो हम लोगों को कि आपकी मेडिसिन से कितना इम्पैक्ट हुआ है, क्या क्या चीज़ें उसकी बेनिफिशियल है, तो वो प्लस ये दो न्यूज़ आप जोड़ के पढ़ना है इनको. देन उसके बाद सॉरी सो अलाउ बोथ लार्ज मैन्युफैक्चरर्स हो गया. उसके बाद एज द फार्मास्यूटिकल लैंडस्केप कंटिन्यूज टू इवॉल्व दीज रिवाइज रूल्स एम टू अपहोल्ड एनहेंस द क्वालिटी सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इन इंडिया. अगर सब कुछ रेगुलेटेड होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दावे से अपना सामान बेच सकती है, अपनी मेडिसिन बेच सकती है. क्यों? इसमें एक चीज़ जो आप लोगों को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज से कुछ साल पहले चाइना में कुछ मेडिसिन पकड़ी गई थी, या चाइना में कुछ मेडिसिन खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी. जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला वो मेडिसिन चाइना से अफ्रीका में वो मेडिसिन गई थी, और अफ्रीका में उन मेडिसिन को खाने से कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई थी. हाँ, इंडियन मेडिसिन के पीने से, कफ सिरप पीने से कुछ बच्चों की डेथ हुई है शायद गाम्बिया में, और बाकी जो कुछ तबीयत खराब हुई थी, बीमार हो गए थे लोग, ज़्यादा सीरियस हो गए थे, तो कुछ लोगों की डेथ भी हुई थी. तो वो जो कंपनी थी उसके ऊपर, जिसकी जो मेडिसिन थी उसके ऊपर इंडियन मेड इन इंडिया की स्टैंप लगी हुई थी, और उसको जब चेक किया, उसके रिवर्स में गए, पीछे चला, तो पता चला ये सारी मेडिसिन चाइना से इम्पोर्ट हुई हैं, और चाइना ने इंडिया को बदनाम करने के लिए जानबूझ के ऐसा किया. पर उसके बाद जो न्यूज़ आई, जो इंडियन मेडिसिन जो कफ सिरप थी उसको पी के कुछ बच्चों की डेथ हो गई. जब चेक किया, कंपनीज को पता चला हाँ कंपनीज गड़बड़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और कंपनीज को लेके जो भी गवर्नमेंट एक्शन कर सकती थी वो कर दिया. बट उसके साथ सरकार ने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, हम इस सबको रेगुलेट करेंगे, और रेगुलेट करके ताकि अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास एग्जैक्ट डाटा हो, और कंपनी के पास रिकॉल का प्रोविजन हो कि कंपनी उस तरह की अगर कल को कंप्लेन आती है तो मेडिसिन वापस ही मंगवाए. प्लस उसके साथ साथ आप सारे नॉर्म्स फॉलो करो तो ऑब्वियसली चीज़ खराब हो ही नहीं सकती है, ठीक है. तो स्टैंडर्ड्स के लिए गवर्नमेंट इसी करके फार्मास्यूटिकल लॉज जो हैं वो लेके आई हैं. अब इसका मतलब कंपनीज रेगुलेट भी होंगी, प्राइसेस भी रेगुलेट हैं, और इसका मतलब अब जो हैं जो बिलो स्टैंडर्ड मेडिसिन हैं उनके बढ़ने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे. ये नहीं कि नहीं बढ़ेंगी, बढ़ेंगी, पर यह है कि कंपैरेटिवली कंट्रोल रहेगा, डर रहेगा उन लोगों को कि सजा भी हो सकती है. उसके बाद जियोलॉजिकल इंडिकेशन जीआई टैग्स. ओडिशा रिच कल्चर हेरिटेज गेन्स रिकॉग्निशन ऑफ सेवरल न्यू जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स. हमने लास्ट दो तीन क्लासेस के अंदर हम लोगों ने जीआई से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ की हैं. अब ये एक जीआई से रिलेटेड न्यूज़ फिर, और इसमें है सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, 7 डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट्स हैं उड़ीसा के अंदर जिनको ये रिकॉग्निशन मिला है. अब इसमें आता है कपड़ा गंडा शॉल. अब इसकी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है उड़ीसा में कुछ और हो, बट कपड़ा गंडा शॉल जो है वुमेन and embroidered by the women of Dongriya Khond tribe. अब Dongriya Khond tribe, अब यहाँ पर तो न्यूज Dongriya Khond tribe की है. अब खोंड को हम दो हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं. यहाँ पर Dongriya Khond जो ट्राइब है कपड़ा गंडा शॉल, और कपड़ा गंडा शॉल के साथ यूपीएससी की जैसे नेचर है वो इससे रिलेटेड दो और क्वेश्चन बना सकती है. एक खोंड एरिया में रिवोल्ट को रिलेटेड, जो 1936 से 1957 तक जो खोंड एरिया के अंदर रिवोल्ट हुए थे, और दूसरा उसके साथ एक और न्यूज हो सकती है, दैट इज खोंडलाइट टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक. और हम लोगों ने अपने क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर उसको डिस्कस किया बेटा, एक बार जाके खोंडलाइट रॉक जो है वो देख लेना. वो ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर होती है खोंडलाइट, और पिंक कलर का मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक. तो मेटामॉर्फिक रॉक हम डिस्कस कर चुके हैं. मेटामॉर्फिक रॉक होती क्या है वो आप जाके आगे चल के डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं. आप उसको ठीक से रिवाइज कर लेना. हम कर चुके हैं ये सब कुछ, कैसा है मेटामॉर्फिक रॉक, कहाँ पर है, मेटामॉर्फिक क्या होती है, और खोंड लाइट क्या है, और खोंड खोंड से खोंड ट्राइब, और खोंड ट्राइब की लैंग्वेज है ना.
और खॉन ट्राइब शायद की लैंग्वेज या क्वी लैंग्वेज ये बोलते हैं। इससे रिलेटेड है, एक बार चेक कर लेना जरा लैंग्वेज का, मैं भी आपको चेक कर देना की या क्वी ऐसी कुछ लैंग्वेज है जो इनकी जो खॉन ट्राइब की लैंग्वेज है। तो वुमेन आर वुमेन एंड एम्ब्रॉयडर्ड वुमेन एंड एम्ब्रॉयडर्ड बाय वुमेन ऑफ डोंगरिया खोंड ट्राइब इन द नियामगिरी हिल्स रायगढ़ एंड कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो है इट इज़ अ फेमस, हमने डिस्कस किया हो ज्योग्राफी के अंदर, और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर यूरेनियम माइंस आल्सो। तो यूरेनियम माइंस है वहाँ पर, तो वहाँ पर रेडियो एक्टिव लीकेज भी हुआ था और एक बार बेटा चेक कर लेना जरा इनकी लैंग्वेज में, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इनकी लैंग्वेज को लेके, आप चेक कर लेना और कमेंट कर देना जरा यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर कि खोंड ट्राइब की लैंग्वेज कौन सी है, क्वी या की ऐसे कुछ ट्राइब का जो लैंग्वेज है वो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन सी है। और यहाँ पर कालाहांडी और ये वो रीजन है, कालाहांडी रीजन के अंदर इंडिया में यूरेनियम निकलता है और उस यूरेनियम से वहाँ पर रेडिएशन है, उस रेडिएशन से वहाँ उस एरिया के अंदर पालम रही और पास्ट में, और इसी वजह से कई सारे और एरियाज हैं जैसे मणिपुर है वहाँ पर भी पता चला कि वहाँ पर यूरेनियम है, पर वहाँ पर लोगों ने मना कर दिया कि आप यूरेनियम को एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास मिसमैनेजमेंट है। और मिसमैनेज की वजह से पहले भी उड़ीसा के अंदर जो कालाहांडी रीजन है वहाँ पर लोगों में डिसेबिलिटीज डेवलप हुई हैं, हाथ पैर टेढ़े और कई सारे जो नेगेटिव आस्पेक्ट्स होते हैं बॉडी में वो डेवलप हो गए बिकॉज ऑफ रेडिएशन ओनली। तो यहाँ पर कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में है, सिग्निफिकेंट रिफ्लेक्ट टू द रिच ट्राइबल हेरिटेज ऑफ डोंगरिया खोंड एंड वॉर्न बाय बोथ मैन एंड वुमेन एज अ टोकन फॉर लव एंड अफेक्शन विद इन द कम्युनिटी। हाँ, खोंड, ये जो खोंड ट्राइब है इसके साथ जो रिवोल्ट हुआ है और उसके नेता जो हैं वो चक्र बिसोई इसके नेता रहे हैं, और 1857 तक ही आते आते रिवोल्ट खत्म हो गए थे, 1857 से पहले होने वाले रिवोल्ट्स में से एक है खोंड ट्राइब का रिवोल्ट और चक्रा बिसोई इसके लीडर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर क्योंकि उसी एरिया से रिलेटेड ये न्यूज़ है। सो बोथ मैन एंड वेमेन आर एज अ टोकन फॉर लव अफेक्शन विद इन देयर कम्युनिटी, तो एक दूसरे को ये पहनते हैं, गिफ्ट भी देते हैं। उसके बाद लंजिया सुपरा पेंटिंग, तो इडिटल कहते हैं इसको, इडिटल, और ये पेंटिंग है, ये शॉल है और ये पेंटिंग है। लंजिया सोरा कम्युनिटी ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और ये रायगढ़ रायगढ़ा है, हाँ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ही है। और करेक्टराइज्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब आर्ट फ्रॉम नोन फॉर ब्यूटी एस्थेटिक रिचुअलिस्टिक एसोसिएशन एंड आइकोनोग्राफी दीज पेंटिंग्स आर एक्सटीरियर म्यूरल्स और मड वॉल्स, हमने डिस्कस किया है। तो कुछ कुछ ये जो पेंटिंग्स हैं वर्ली पेंटिंग से मिलती जुलती हैं, कुछ कुछ देखो बेटा वर्ली पेंटिंग भी कुछ कुछ वैसी हैं, वहाँ पर ट्रेंगुलर होता है सब कुछ, पर एग्जैक्टली सब कुछ ट्रेंगुलर नहीं है, कुछ कुछ है ट्रेंगुलर है और वर्ली पेंटिंग से मिलता जुलता है। और ये भी मड वॉल्स के ऊपर होने वाली पेंटिंग थी, बाद में चल के कपड़ों पर आ गई। मड वॉल्स मतलब घर के ऊपर जब गोबर लगाया जाता है फिर चावल से, चावल के आटे से ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। हाथ से गाँव की औरतें ही अपना घर सुंदर लगे उस करके इस तरह से चावल के आटे से पेंटिंग बनाती हैं। बाद में चल के फिर कपड़े पर आ गया तो फिर मॉडर्नाइजेशन है तो लोग कपड़ा खरीदते भी हैं वो, और पेंटिंग्स की फॉर्म में भी यूज होता है। तो बिलोंगिंग टू लंजिया सोरा कम्युनिटी ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइबल आर्ट फॉर्म नोन फॉर ब्यूटी एस्थेटिक रिचुअलिस्टिक एसोसिएशन एंड आइकोनोग्राफी दीज पेंटिंग्स आर एक्सटीरियर म्यूरल्स और मड वॉल्स। कोरापुत काला जीरा राइस, अब ये राइस की कैटेगरी है, काले रंग के राइस होते हैं, काला जीरा राइस कहते हैं इसको, और कई सारी प्रॉपर्टीज ये कैरी करता है अपने साथ। और इसमें से कौन कौन सी हैं, द ब्लैक कलर राइस वैरायटी नोन फॉर प्रिंस ऑफ राइस वैल्यूड फॉर इट्स अरोमा। और हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा ये जो इलाका है जो ईस्टर्न कोस्ट का इलाका है उड़ीसा और उसके आसपास के इलाके, दीज आर द जीन पूल फॉर राइस, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने क्लासरूम में डिस्कस किया था इसको, ये जीन पूल ऑफ राइस है, यहाँ पे थाउजेंड ऑफ वराइटीज ऑफ राइस मिलते हैं। और हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर मोनोकल्चर अब इंडिया में डेवलप हो गया, सभी लोग बासमती खा रहे हैं, तो ये जो इंडिया की इंडिजीनियस वराइटीज थी धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएंगी, इसी करके इस राइस को ब्लैक जीरा राइस को इसको इन्होंने GI टैग दिया है और इसकी अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से। यस डायमंड रॉक्स हैं, यस नहीं बेटा और भी फीचर्स हैं इसके, हाँ जीन पूल ऑफ राइस, यस बेटा अनीस, और कोरापुत काला जीरा राइस ब्लैक कलर्ड है, रिच वैरायटी है, नॉन फॉर प्रिंस ऑफ राइस कहते हैं इसको, वैल्यूड फॉर इट्स अरोमा टेस्ट टेक्सचर न्यूट्रिशन बेनिफिट्स, रिजेंबल्स
क्यूमिन सीड्स एंड एड्स इट्स इंक्रीजिंग द होमोग्लोबिन लेवल एंड इंप्रूविंग मेटाबोलिज्म. मेटाबोलिज्म राइज करता है, होमोग्लोबिन होमोग्लोबिन लेवल को राइज करता है. उसके बाद नयागढ़, केतानमुंडी, ब्रिंजल. हम लोगों ने एक माइन भी की है, केमानगुंडी माइन, है ना. तो यहाँ पर क्या है, कांतेमुंडी, कांतेमुंडी ब्रिंजल है. ये बैंगन की एक कैटेगरी है, इस एरिया के अंदर ही होता है ब्रिंजल. और इसके स्टेम के ऊपर कांटे होते हैं. तो नॉर्मली बैंगन के स्टेम के ऊपर कांटे नहीं होते जैसे ये जो कांटे हैं. और होता क्या है कि बैंगन को बहुत जल्दी कीड़ा लगता है, जो इंडियन ब्रिंजल की जो नॉर्मल कैटेगरी है. अगर हम उसमें से बीटी ब्रिंजल हटा दें तो उनको कीड़ा लग जाता है. बट ये जो इनका ब्रिंजल है, ये वाला जिसको जीआई टैग मिला है, नयागढ़ केतानमुंडी ब्रिंजल जो है, कांतेमुंडी, हाँ नयागढ़ कांतेमुंडी ब्रिंजल, नॉन फॉर प्रिकली थ्रोन्स, इसके ऊपर कांटे होंगे. ऑन स्टेम्स, इसकी मतलब डंडियों के ऊपर कांटे होंगे, बैंगन के ऊपर ही होंगे. स्टेम्स ग्रीन एंड राउंड फ्रूट्स, यूनिक टेस्ट एंड क्विक कुकिंग टाइम, रेजिस्टेंट टू मेजर इंसेक्ट्स, प्रमोटिंग मिनिमल पेस्टिसाइड यूज. इसका मतलब पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत ही नहीं है. बैंगन को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत थी इसके, सबसे पहले बीटी ब्रिंजल आया था, बाद में बीटी कॉटन आती है, उसके बाद तो बीटी कई सारे बीटी आ गए उसके अंदर. तो सबसे पहले ब्रिंजल में बीटी आया था बैंगन को लेके, उसको कीड़ा बड़ी जल्दी लगता था. तो इसका मतलब ये जो है जो केतानमुंडी, नयागढ़ केतानमुंडी जो ब्रिंजल है, इसको कीड़ा नहीं लगता. पर ये होता सिर्फ उड़ीसा में, इसी के जी आई टैग मिला है. और उड़ीसा खजूर गुड़ जैगरी, ये खजूर से बनता है गुड़, ठीक, खजूर गुड़ जैगरी, और उड़ीसा की खजूरी गुड़ जैगरी, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डेट पाम ट्रीज इन गजपत डिस्ट्रिक्ट, गजपति डिस्ट्रिक्ट, ट्रेडिशनली प्रिपेयर्ड इन अ ट्रेपेजोइडल, सॉरी ट्रेपेजोइडल फ्रॉम कॉल्ड पताई गुड़, पतली गुड़, ऑर्गेनिक डार्क ब्राउन एंड ऑफरिंग अ यूनिक टेस्ट एंड नेचुरल स्वीटनर. पतली गुड़ हो सकता है, पतली गुड़ हो सकता है किसी वजह से नाम हो. ट्रेडिशनली प्रिपेयर्ड एंड ट्रेपेजोइडल फॉर्म कॉल्ड पतली गुड़, हो सकता है कि मैंने देखा तो नहीं है पर शायद ये बहुत पतला होता होगा या नॉर्मल गुड़ जैसा हार्ड नहीं होता होगा, इसी करके इसको पतली गुड़ कहा है. तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्वीट मेड ऑफ बफेलो मिल्क. अगला कौन सा है, धनकला मगजी, धेनकनल मगजी. दिखने में तो कुछ कुछ रसगुल्ले जैसा लग रहा है बट रसगुल्ला नहीं होगा क्योंकि उड़ीसा का रसगुल्ला अलग है. धनकली मगजी, अ स्वीट मेड फ्रॉम बफेलो मिल्क चीज, डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अपीयरेंस, टेस्ट, फ्लेवर शेप एंड राइस साइज. These products have earned a GI tag signifying their distinctiveness, association with Odisha's cultural geographical identity. The geographical indicator is Goods Registration Protection Act 1999. ये हम सब कर चुके हैं, पिछली क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है. तो इसका मतलब सात आइटम हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आइटम. और एक हम लोगों ने वो जो चटनी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, है ना, वो चींटियों से बनने वाली चटनी, वो भी है इसके अंदर. What is Skydew? Skydew एक बहुत बड़ा बैलून इसराइल ने बनाया है और कुल मिला के इसका काम जो है ये स्पाइंग के लिए यूज होगा, अपनी नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर स्पाइंग के लिए स्पेस में इसको छोड़ेंगे, बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर इसराइल इसको छोड़ेगा. अब क्योंकि इसको रडार नहीं पकड़ सकते क्योंकि बैलून की फॉर्म है, रडार पकड़ नहीं सकता, मिसाइल हिट नहीं कर सकती, हवा भरी हुई है सारी, इसके अंदर हीलियम भरा हुआ है. और ये कुल मिला के इसके अंदर स्पाइंग कैमराज लगे हैं जो स्पाइंग करेंगे आसपास के, थोड़ा बहुत रेगुलेट हो जाएगा नीचे से. बाकी Skydew स्टैंड्स द कोलोसल बैलून एस्क्वी स्ट्रक्चर रिसेम्बलिंग अ पफ्ड एयरक्राफ्ट, द हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन बैलून सर्व्स एज डिटेक्शन रडार ब्लिप कैटेगरी टू स्मॉल अनमैंड एरियल एयरक्राफ्ट एंड क्रूज मिसाइल. अब छोटी मोटी क्रूज मिसाइल भी इसके साथ लगी है, अनमैंड एरियल क्राफ्ट जैसा नजर आता है. रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव एरियल थ्रेट वार्निंग सिस्टम Skydew इज अ मार्वल ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोनेस. The collaborative efforts of Israel Defense and US or Israel ने मिलकर बनाया, resulted in the development of its project. Fully funded by US Department of Defense, 2002 Israel Air Force took charge of Skydew operations. The system comprises a blimp with the capability of soar at impressive altitudes equipped with a radar and detection system that scan wide area for every direction. तो कुल मिला के भाई स्कैन करने के लिए बना, हालांकि उनके पास स्पाइंग जो सैटेलाइट्स हैं वो हैं, बट सेटेलाइट्स के साथ एक एस्पेक्ट है, एक प्रॉब्लम है. हर सेटेलाइट के गुजर जाने का एक टाइम है. हम लोगों ने सेटेलाइट डिस्कस किया हुआ डिटेल में, तो हमने डिस्कस किया था कि एक सेटेलाइट एक जगह से जो गुजरता है उसके बीच में टाइम होता है, उस टाइम में अपनी एक्टिविटीज वो तेज कर सके, उनको पता है अगला सेटेलाइट इतने बजे पहुंचेगा, इतने बज के इतने मिनट पर पहुंचेगा.
और वो नीचे से डिटेक्ट हो जाते हैं क्योंकि हर जगह पे एक ही टाइम से उसको गुजरना है। तो इस करके ये सोल्यूशन परमानेंट है क्योंकि हमेशा हवा में टिका रहेगा और हमेशा उसको इन्वेस्टिगेट करता रहेगा। ऐसा ही एक बलूना इससे कुछ साल पहले चाइना ने छोड़ा था जो अमेरिका के ऊपर स्पाइंग कर रहा था और अमेरिका ने मिसाइल मार के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब इनके पास शायद इतनी एबिलिटी नहीं होगी। सो रडार माउंटेड ऑन द बलून बोस्ट अ रडार रेंज ऑफ 250 किलोमीटर प्रोफिशिएंसी ट्रैकिंग मल्टीपल टारगेट्स इंक्लूडिंग दोज एट लो एल्टीट्यूड एंड नेस्टेड विद द वैली कैपेबल ऑफ कैरिंग 7000 पाउंड ऑफ मेंटेनेंस मेंटेनिंग एंड ऑपरेशनल एल्टीट्यूड ऑफ 10000 फीट स्काईड्यू स्टैंड्स एज अ फॉर्मिडेबल टेक्नोलॉजिकल फीट। द डिस्टिंक्टिव एडवांटेज लाइज इन द कैपेबिलिटी ऑफ कंडक्ट सर्वेलांस एंड एक्सटेंडेड पीरियड्स विदाउट रिक्वायरिंग फ्यूल और क्रू रिप्लेसमेंट। बार बार क्रू बदलने की जरूरत नहीं है ना इसको बदलने की, एक ही जगह के ऊपर छोड़ देंगे, स्टैटिक है वहां पर, बाकी कंट्रोल नीचे से हो जाएगा। और इंडियाज मेडन आइलैंड वाटरवेज डेवलप्ड काउंसिल IWDC इस प्रोग्राम इसको भी हम लोगों ने ज्योग्राफी में डिस्कस किया था कि इंडिया में वाटरवेज डेवलप कर रहा है तो नंबर ऑफ वाटरवेज हैं तो हैं तो बहुत सारे पर अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। नियर अबाउट 26 मेजर वाटरवेज हैं। अब वाटरवेज का मतलब जैसे हाईवे होता है वैसे वाटरवे है। पिछली सरकारों ने इसके ऊपर गौर नहीं किया था बट अभी इसका क्या है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पोटेंशियल इन द सेंस फॉर एग्जाम्पल यू आर मैनुफैक्चरर, आपने किसी एरिया में फैक्ट्री लगाई है एंड यू नो दैट देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ ट्रक एंड ट्रेन्स एंड इफ देयर आर ह्यूज शिप्स और अ ह्यूज बोट्स है ना वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इफ द पॉसिबल देन यू कैन, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंडिया की ज़्यादातर जो आयरन इंडस्ट्री है ये इसी एरिया में क्यों है, दैट इज बिकॉज ऑफ रिवर ट्रांसपोर्टेशन। और रिवर ट्रांसपोर्टेशन से बहुत जल्दी पॉसिबल है कि वहाँ से कलकत्ता पोर्ट और कलकत्ता पोर्ट से जहाँ जहाँ उनको माल भेजना है वो भेज सकते हैं। और इसी करके यहाँ पर NH1, NH2, NW नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, 3, 4, 5 तो 3 इधर है तो नेशनल वाटरवे 2 तो 5 इस तरह से कई सारे नेशनल वाटरवेज हैं। गवर्नमेंट उसके ऊपर फोकस कर रही है और उसके साथ साथ नेशनल वाटरवेज के साथ साथ हमने पिछली क्लास में करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस किया था कि वहाँ पर उनको रेगुलेट भी कर रही हैं वहाँ पर आने वाली शिप्स को क्रूज को क्योंकि वो भी इनकम का एक बड़ा सोर्स है स्टेट्स के लिए जिस जिस स्टेट से वो क्रॉस करेंगी। और हर आदमी बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है क्रूज में रहना 2-3 दिन तो क्रूज में पानी में रहेंगे क्रूज शिप चलती रहेगी तो उसका मॉनेटरी बेनिफिट्स कई सारे हैं। इस तरह के नेट न्यू टाइप ऑफ टूरिज्म है विच इज़ गवर्नमेंट ट्राइंग टू डेवलप एंड विच इज़ देयर इन यूरोप एंड USA वहाँ पर ये चलता है और इंडिया में इसको प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज वी हैव ह्यूज रिवर्स। गंगा ब्रह्मपुत्र वो जो इलाका है बहुत ह्यूज रिवर है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। गंगा हरिद्वार तक तो गंगा बहुत छोटी है पर जब इलाहाबाद पहुँचती है गंगा समंदर हो जाती है, अब बिहार तक पहुँचते पहुँचते और वाइड हो जाती है तो पोटेंशियल तो है। सो तो कनकेव हेल्ड बाय इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोलकाता एस्टैब्लिशन अक्टूबर 2020 थ्रू IWDC 23 IWDC एम्स टू एलिवेट इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। अब इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट क्योंकि पोटेंशियल ज़्यादा है बड़ी बोट्स बड़ी शिप्स होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होगा प्लस हमें डिपेंडेंसी नहीं होगी रोड के ऊपर, डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, ट्रकों का बर्डन कम हो जाएगा, रोड के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा प्लस ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, कई सारे अल्टरनेटिव्स आ जाएंगे। और शिप की हमने डिस्कस किया, बोट की कोई लिमिट नहीं होती, आपको पानी अवेलेबल है तो बोट का साइज कुछ भी हो सकता है। सो वाटरवेज IWDC मीटिंग कोलकाता वेलकम टू द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट DUTs की जो ऑब्जेक्टिव क्या है एनहेंसिंग ट्रांसपोर्ट IWDC एनविसेज बोलस्ट्रिंग कार्गो पैसेंजर मूवमेंट एंड रिवर क्रूज टूरिज्म। वही जिसको पिछली क्लास में सेम न्यूज को डिस्कस कर चुके हैं बट यहाँ पर हम लोग काउंसिल को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। मेजर हाईलाइट फ्रॉम द रिसेंट IWDC सेशन हरित नौका गाइडलाइंस अनवेलिंग गाइडलाइन फॉर द इको फ्रेंडली ट्रांजिशन फॉर इनलैंड वेसल्स। अब इको फ्रेंडली हो सकता है कि उसमें ये जो बैटरी वगैरह लगा के लिथियम आयन बैटरीज लगा के बोट वोट चलाने का प्रोविजन हो। फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या है सब्सटेंशियल कमिटमेंट फॉर 45,000 हैज बीन प्लेज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिवर क्रूज टूरिज्म अकंपनीड बाय लॉन्च ऑफ रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047। द सिग्निफिकेंस ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट IWT लॉजिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन IWT प्रोमिसेज लोअर कोस्ट हाईलाइटेड फ्यूल एफिशिएंसी एंड मोर। सो पॉइंट इज टूरिज्म डेवलप करना है और ये सच में बड़ा फैसिनेटिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे है ना तो आपका बर्थडे है या फिर कोई खास प्रोग्राम है आपकी एंगेजमेंट है तो ऐसे किसी मौके के ऊपर क्रूज वगैरह में तो उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ना, बड़ा फैसिनेटिंग लगेगा। पर सतलुज के आसपास अगर बोट चलेंगी, बादल साहब ने वादा तो किया था ऐसी कुछ चलेंगी और अगर चल जाएँ तो कोई बुरा नहीं है ना, वो नहरें तो हैं ही हमारे पास
तो वो बोटी छोड़नी है उसमें, बाकी पानी वानी मैनेजमेंट है कुल मिला के, बस है तो ठीक अगर गवर्नमेंट डेवलप कर दे, मैनेजमेंट का प्रोविजन तो है, बस अगर हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है तो। डीकंजेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑफरिंग एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू रोड रेल ट्रांसपोर्ट, इसको डिस्कस कर चुके हम न्यूज को, इसको पहले भी इस पॉइंट को, प्लेइंग अ पिवोटल रोल इन लिंकिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, इनिशिएटिव टू प्रोपेल इंडियन वाटरलाइन ट्रांसपोर्ट, क्या है जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम एंड NW1 नेशनल वाटरवे नंबर 1 एम्फेसाइजिंग कार्गो एंड पैसेंजर फेरी सर्विसेज। और उसके बाद नेशनल वाटरवे NWS आउट ऑफ 111 नोटिफाइज नेशनल वाटरवे 111 नोटिफाइड नेशनल वाटरवेज 23 आर ऑपरेशनल फैसिलिटेटिंग शिपिंग एंड नेविगेशन। तो शिपिंग एंड नेविगेशन पॉसिबल हो गया 23 के अंदर। टोटल प्रोजेक्ट में कितने 111 नेशनल वाटरवेज अंदर प्रोजेक्ट हैं, पाइपलाइन में है। मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 एमिंग टू एलिवेट द मॉडल शेयर ऑफ IWT फ्रॉम 2% टू 5%। अब नेविगेशन में सबसे अच्छा जो रोल है, जो सबसे अच्छा काम कर रहा है, वो इटली कर रहा है। और आप समझ रहे हैं मोदी जी और इटली है ना, इनके बीच में मेलोडी चल रही है आजकल, हो सकता है कुछ चीजें वहां से यहां पहुंचे इंडिया में। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 आइडेंटिफाइंग 47 इनिशिएटिव्स IWTU एंड इंक्लूडिंग पोर्ट बेस्ड स्ट्रेटजीज एंड मोर। अब इंटरनेशनल रिलेशन में जब भी कोई कंट्री किसी कंट्री से रिलेशन बनाती है, ये नहीं है कि उनकी इटली की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में अफेयर वगैरह शुरू हो गया, ये अल्टीमेटली ड्रामा किया जाता है ताकि इससे उनकी फॉलोइंग बढ़ती है। अब आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, लोग फॉलोइंग ही बढ़ाना चाहते हैं अपनी। अब नरेंद्र मोदी बीच पर घूम रहे हैं, माइलडी अपने आप से फिर वो कह रही है कि मेरे को बीचेस अच्छे लगने शुरू हो गए, है ना। तो लोग अपने आप में गेस कर रहे हैं कि इनके बीच में अफेयर चल रहा है, ऐसा है थोड़ी है। वो पॉलिटिशियन है ना, वो जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ पर पॉलिटिशियन की शुरू होती है। ये भी पॉलिटिशियन, इनको भी पता वो क्यों कर रहे हैं। रीज़न उसके पीछे, मोदी के पास आ जाने के पीछे उनकी पॉलिटिक्स का तरीका है, और उस पॉलिटिक्स में राइट विंग वहाँ पर भी है, राइट विंग इंडिया में भी है, राइट विंग फ्रांस में भी है, राइट विंग इंग्लैंड में भी, राइट विंग अमेरिका में भी। तो राइट विंग को वो एड्रेस कर रहे हैं, अफेयर अवेयर नहीं है। हाँ, अब कुछ कंट्री जैसे इंडिया को रिसेंटली हमने डिस्कस किया कि इनकी एक बुक है अभी जयशंकर की, एस जयशंकर की, उस बुक में उन्होंने फ्रांस को अपना लक्ष्मण का नाम दिया है, उन्होंने फ्रांस वर्किंग एज लक्ष्मण। तो इंडिया अपने आप को राम डिक्लेयर कर रहा है, या कह रहा है अपने आप को राम के तौर पर एड्रेस कर रहे हैं और उनको लक्ष्मण कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अब इटली भी इंडिया में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है ना, क्योंकि उनके पास तो है ही है, मार्केट चाहिए, इंडिया इज मार्केट। तो वो जो मेलोनी जो डोरे डाल रही है ना, उसके पीछे लीजिए जो लॉजिक है वो यही है, वो इंडिया की तरफ बिजनेस देख रहे हैं। और वो राइटिंग वाला है, और रिसेंट में मेलोडीज की कुछ स्टेटमेंट सुन के देखो तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या करना चाह रही हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कैम्प्टोथेसिन, ये साइंस के थोड़े से मेरे से आगे पीछे हो सकते हैं, इसकी हो सकता है मैं सही से प्रोनाउंस नहीं करूं। कैम्प्टोथेसिन क्रूशियल एंटी कैंसर कंपाउंड है। द रिसेंट ब्रेक थ्रू इज रिसर्चर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास एंड मंडी इन्वॉल्व, मंडी मतलब हिमाचल में, एंड इन्वॉल्व द मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग ऑफ नोथापोडाइट्स निमोनिया प्लांट सेल्स फॉर नोथापोडाइट्स, हाँ यही है प्रोनाउंसिएशन इसकी, निमोनिया प्लांट सेल्स टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग कैम्प्टोथेसिन। इंडिया में मिलता है ये प्लांट, और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं, और हम लोगों ने डिस्कस किया था जो पिछली क्लासेस के अंदर। अब आप इस न्यूज़ को उस न्यूज़ के साथ जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की है रेगुलेटरी वाली, और आयुष के साथ आप लिंक कर लेना, तो आप समझ गए इस न्यूज़ की इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी। ठीक है, तो मिल अल्टीमेटली हर मेडिसिन का सोर्स, चाहे वो किसी भी टाइप की मेडिसिन है, चाहे होम्योपैथी क्या है, चाहे यूनानी है, या ये एलोपैथी है, अल्टीमेटली सोर्स तो नेचर ही है ना। तो नेचर में ये प्लांट अवेलेबल है, और इसी के एक्सट्रैक्ट से वो एंटी कैंसर मेडिसिन बनाई जा सकती है, और इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। और ये इंडिया श्रीलंका के एरिया में होता है, वल्नरेबल की लिस्ट में है और रेड लिस्ट में है, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, कैम्प्टोथेसिन CPT सर्व्स एज पिवोटल रेल मॉलिक्यूल एस्टीम्ड एंटी कैंसर ड्रग लाइक टोपोथिकैन एंड आयरोनोथिकैन। सो टोपो आइसोमर्स आई इनहेबिटर एज अ
potent topoisomers I inhibitor CPT is primarily extracted from Comptotheca acuminata, native of Eastern Asia and in इलाकों के अंदर native to India, इंडिया के इलाकों में, इंडिया श्रीलंका के इलाकों में खूब सारा होता है ये, और साउथ इंडिया के अंदर खासतौर के ऊपर. Widely produced in southern Asian regions, these plants are predominantly located in India and China. In danger status, the adverse effect of the climate change and extensive deforestation of CVT extracting have led to an endangered of these plants. Key information about Nophthobodites pneumonia. Endangered forest plant disappeared in the regions like Sri Lanka se disappear ho gaya, China, Southeast Asia, Taiwan, North Sumatra, Luzon, Philippines and India. Basically yahan se milta hai, but in some mein endangered hai. Indian habitat predominantly found in the western ghats of Maharashtra, Goa, Tamil Nadu, Kerala, Assam, Jammu and Kashmir. Iska matlab mandi mein research hua hai to Jammu and Kashmir, Himachal ke area mein bhi kuch kuch hoga kisi kisi jagah pe. Allopathic medicine source and Nathapodites pneumoniana is the source of allopathic medicine production. Region CPT, known for containing a significant amount of camptothecin, making it a renowned source of their anti-cancer compound. Conservation concerns, the plant has faced 20% decline in the past decade, leading to its red listing by International Union for Conservation of Nature. Extraction challenges kya hai? Extracting 1 ton of CPT requires nearly 1,000 ton of plant material. 1 ton nikalne ke liye 1,000 ton plant material chahiye. 1 ton nikalne ke liye. So scientific exploration kya hai? Due to this abundant CPT content, the plant has been extensively studied in phytochemical, biotechnological and pharmacological aspects. The advancement not only hold promise, to kul mila ki ye plant hai, jo India ke andar mil raha hai, bas yehi hai, aur endangered ki list mein aata hai. बस इतना ही इस न्यूज के अंदर. ऐसी न्यूज कुछ कुछ रटे मारने वाली होती हैं, तो रट लेना इसको. हाँ जी, केजी बेसिन यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन. हाँ, वेरी गुड. बाराकुडा. हाँ, बाराकोटा तो बेटा उसके लिए ना, नेवी के लिए है वो, उसके लिए है, सर्विलांस के लिए बाराकोटा बोट. वेरी गुड. हाँ, आपने लिंक कर लिया, बड़ा अच्छा किया. हाँ, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो जाएगी. वेरी गुड. बाराकोटा नाम याद रह गया आपको, मैं भूल गया था, मुझे याद नहीं था. ONGC starts oil production from Krishna Godavari KG basin. ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इंडिया की सरकारी कंपनी है. ONGC has initiated the extraction of oil from the prominent deep sea venture in the Krishna Godavari basin, the offshore cluster 2 project. ये बेटा ये मैप जरूर देख लेना आप सभी लोग, ठीक है, कहां पर कौन कौन सा है. नीचे कलर दिए हूं, एक बार चेक कर लेना इसको. द प्रोसेस ऑफ ऑफशोर ड्रिलिंग इन्वॉल्व्स, ऑफशोर है इसका मतलब मेनलैंड पे नहीं है, आसपास है, बाहर जाके है. ऑफशोर ड्रिलिंग इन्वॉल्व्स द retrieval of petroleum from the rivers beneath reserves beneath the ocean floor, employing various methods, floating rigs used for drilling in deep waters. To agar offshore, agar kahin par oil mila hai to offshore agar exploration ho raha hai to iska matlab hai ki samandar ke beech mein rigs laga ke, jaise India mein Bombay High hai waise yahan par bhi, तो समंदर के अंदर रिग्स लगा के बहुत बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट करके फिर वहाँ से ऑयल एक्सप्लोर, जो ऑयल एक्सप्लोर करेंगे और ऑयल है या गैस है तो वो समंदर के अंदर रिग्स में से ही, रिग्स लगा के ही और रिग्स के थ्रू ही वो पॉसिबल है. और फ्लोटिंग रिग्स यूज फॉर ड्रिलिंग इन डीप वाटर्स, उसके बाद बॉटम रेस्टिंग प्लेटफॉर्म यूटिलाइज फॉर ड्रिलिंग एंड शेलो वाटर, जो जहाँ पर पानी शेलो होगा वहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है, बॉटम रेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स को. इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफशोर ड्रिलिंग फॉर इंडिया, enhances energy security, contributes to the diversification of India's energy sources, fosters self-reliance and meeting its escalating energy demands. देखो बेटा, ये offshore है, यहाँ जाके ये explore कर रहे हैं इसको. ये Indian mainland है, तो इसका मतलब अंदर जाके हमारा ये EEZ region है जहाँ हम explore कर सकते हैं. तो इस area के अंदर यहाँ पर, यहाँ पर boundary खत्म हो जाएगी, boundary की beyond जाके यहाँ पर explore कर रहे हैं. अब क्योंकि offshore है, ऑफशोर ड्रिलिंग करेंगे
तो कोई भी टेक्निक जो भी इसको सूट करेगा वो यूज कर सकते हैं दोनों टेक्निक में से कोई भी। बट ये है कि इनलैंड नहीं है, ये ऑफशोर है। तो एनहेंसेस एनर्जी सिक्योरिटी, कंट्रीब्यूट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियाज एनर्जी सोर्स, फॉस्टर द सेल्फ रिलायंस इन मीटिंग द एस्केलेटिंग एनर्जी डिमांड, एडिशनल एडवांटेज प्रॉम्प्ट्स टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट्स टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड स्टिमुलस इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इंक्रीज ऑयल प्रोडक्शन। चैलेंजेस इनकाउंटर इन ऑफशोर ड्रिलिंग, अब ये इशू जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। क्या क्या इशूज हैं? इंक्लूड सब सर्फेस जियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, द पोटेंशियल फॉर ऑयल कंटेमिनेशन अफेक्टिंग मरीन लाइफ एंड कोस्टल कम्युनिटीज, एज वेल एज कंसर्न रिगार्डिंग द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। और हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास डिस्कस की थी, एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट ड्यू टू स्पिलेज ऑफ ऑयल, है ना, तो इंडिया में देर आर फ्यू माइग्रेटरी कम्युनिटीज हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, इस साल कंपैरेटिवली कम पहुंचे, और जो पहुंचे भी वो उनमें से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए, और उसमें सबसे ज़्यादा जो खतरा रहा वो पालाज फिश ईगल को लेकर रहा, है ना, उनका पॉपुलेशन कम आया इस बार, रीज़न उसके पीछे स्पिलिंग था, उसकी वजह से कई सारी मछलियाँ मर गई स्पिलिंग की वजह से। जब तेल फैलता है तो इसका मतलब ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, अंदर जो मछलियाँ होती हैं वो मर जाती हैं। तो यहाँ पर भी ये इशू है, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये इशू रहेगा। और रिगार्डिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी ऑब्वियसली यहाँ पर होगा। सेडिमेंट्स बेसिन टू इंडिया, इंडिया पोजेसेस 26 सेडिमेंटरी बेसिन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। सो इसरो कंडक्ट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल फॉर स्पेस एप्लीकेशंस। अब फ्यूल सेल एक नई, हालांकि नई तो नहीं है, हालांकि रिसर्च बड़ी है, बड़े लंबे टाइम से इसके ऊपर काम हो रहा है। और फ्यूल सेल्स में क्या करेंगे, ये एक तरफ एनोड होगा, एक तरफ कैथोड होगा, बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, और यहाँ पर जो पॉजिटिव होते हैं वही इस तरफ जा पाते हैं, नेगेटिव यहाँ रुक जाते हैं, फिर हवा की ज़रूरत होती है, और उसके बाद ये एनर्जी डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, एनर्जी सप्लाई शुरू हो जाती है। अब दुनिया में हर जगहों पर एनर्जी बनने का एक ही तरीका है, वो केमिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, फिर एनर्जी बन जाती है। एनर्जी इसका मतलब केमिकल में एनर्जी पहले से है। तो ये कुछ कुछ वैसा है जैसे हम अपने घर में रखी हुई जो इन्वर्टर है उसकी जो बैटरी है, अल्टीमेटली वो भी वही काम कर रही है ना, वो जनरेटर की तरह फक 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 की आवाज़ नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो फ्यूल सेल बैटरीज हैं, ये जो फ्यूल सेल्स का जो रिसर्च चल रही है, अब इसमें यह है कि अगर इन बैटरीज को अगर कारों में लगा दिया जाए और अगर ये अपना काम करेंगी तो इससे हीट भी निकलती है, और हीट का भी यूज़ हो सकता है, और ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होती है, ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। और इसमें करना कुछ नहीं होता, बस फ्यूल सेल लगाना होता है, एक तरफ एनोड और दूसरी तरफ कैथोड, और ये बनाया जा सकता है। इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, और रिसर्च इसके ऊपर बहुत लंबे टाइम से चल रही है। और जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, अभी रिसेंटली जैसे नितिन गडकरी ने अपने लिए कार मंगवाई है यूरोप से, और उस कार में उन्होंने हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो यूज़ कर रहे हैं, मतलब यही टेक्निक है उसके अंदर। और अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो आने वाले टाइम के अंदर ये है कि फ्यूल की रिक्वायरमेंट जो है बार बार रिचार्ज करने वाली जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अपने आप से हीट भी प्रोड्यूस करती है। तो ऐसा कुछ हो सकता है हीट से अपने आप चार्ज होती रहे, ऑक्सीजन तो है ही अवेलेबल यहाँ पे। तो फ्यूल सेल के ऊपर DRDO काम कर रहा है, इसरो काम कर रहा है। द इसरो हैज़ अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय सक्सेसफुल टेस्टिंग अ फ्यूल सेल यूटिलाइजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि सन की एनर्जी का सोर्स क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर पावर जनरेशन। हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन पहले से ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसके लिए, और उससे लेके फ्यूल सेल डेवलप हो जाएगा। फॉर पावर जनरेशन इन स्पेस दिस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी नॉट ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बट ऑल्सो रिलीज हीट। जब चलेगा तो हीट भी होगी एंड वाटर भी निकलेगा एज बाय प्रोडक्ट्स। तो हीट और वाटर उसको भी यूज किया जा सकता है ना। तो यूरोप में जो काम चल रहा है हाइड्रोजन कार्स के ऊपर या रिसर्च चल रही है उसके ऊपर, बस यही थोड़े बहुत काम बाकी हैं, और 5-7 साल के अंदर ये सब टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल होंगी। जब वो सब अवेलेबल होंगी तो पेट्रोल की डिमांड कम होगी, जब पेट्रोल की डिमांड कम होगी तो फिर अरेबिक कंट्रीज में भी, है ना, लोग अब पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंस उनकी ख़त्म हो जाएगी, तो अरेबिक कंट्रीज का डिक्लाइन होगा। इसी करके अरेबिक कंट्रीज इंडिया के ऊपर बार बार डोरे डाल रहे हैं। और कल भी जो UAE के जो हेड हैं वो इंडिया आए थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी को माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर कह के उन्होंने एड्रेस किया था।
इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का भाई नहीं होता, सब कुछ इंटरेस्ट होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट। उनके नेशनल इंटरेस्ट इंडिया में है, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट वहाँ पर है, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में तेल सस्ता मिले जब तक है, और इंडिया को भी पता है कि आने वाले 10-15 साल के बाद पेट्रोल की डिमांड तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पेट्रोल होगा वहाँ पर उसके कई सारे अल्टरनेटिव और आ जाएंगे। और हमने डिस्कस किया था कि बैटरीज के ऊपर एक नहीं बहुत सारी कंपनियाँ जो है रिसर्च कर रही हैं, हर कंट्री अपने अपने दम के ऊपर अपने अपने लेवल के ऊपर कर रही हैं। तो उसमें लिथियम आयन बैटरीज है ना, सोडियम आयन बैटरीज, एल्युमिनियम एयर बैटरी, तो ऐसी बहुत सारी बैटरीज हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। और हमने पिछली क्लास में भी एक टाइप ऑफ बैटरी डिस्कस किया था, सॉलिड स्टेट बैटरी, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। अब देखो किसकी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, तो टोयोटा तो उसके ऊपर बना ही रहा है, ऐसी जो भी कारें आएंगी फ्यूचर में वो बहुत एक्सपेंसिव होंगी। और अभी जो हैं, अब डिपेंड करता है मिनरल्स के ऊपर, किसके पास कितने किस टाइप के मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स को कब ठीक से वो यूटिलाइज करता है। हो सकता है हम बना लें, रिसर्च कर लें, डेवलप कर लें, पर 20-25 साल के बाद हमारे पास खुद के पास मिनरल्स नहीं हों, तो ऐसे में हाइड्रोजन फ्यूल सेल बैटरी जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेट्स सी आगे चल के क्या होता है। चलो आगे, एक सेकंड। हाँ जी बेटा, आज हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, हो सकता है 1.5 घंटा लग जाए, 7 तो बज गए, लगता नहीं आधे घंटे में अगली में ख़त्म होने वाली है न्यूज़ ये, क्योंकि 2 एडिटोरियल भी हैं इसके अंदर। फ्यूल सेल, तो डेफिनेशन, ऑपरेशन, एडवांटेज, चैलेंज, फ्यूचर परस्पेक्टिव्स इन इंडिया क्या क्या है। द फ्यूल सेल डिफाइंड, फ्यूल सेल इज अ डिवाइस दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्यूल एंड एयर विदाउट रीस्टोरिंग कंबशन, अवॉइडिंग टू क्रिएशन ऑफ पोल्यूटेंट्स एसोसिएटेड विद द हाई फ्लेम टेम्परेचर। इट ऑपरेट्स electrochemically offering a more direct and efficient approach for power generation. तो ये बैटरी की तरह साइलेंटली काम करता है, और अल्टीमेटली सोर्स जो है वो केमिकल रिएक्शन है। हो सकता है कि हम लोग को उतनी सिंपलिसिटी में समझ नहीं आए, बट अल्टीमेटली ये बैटरी की तरह ही काम कर रहा है जैसे बैटरी काम करती है, और केमिकल ही हैं इसके अंदर जो रिएक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। कुल मिला के इतना ही है बस, अब इतना ही समझो। Fuel cell is a device that generates electricity from fuel and air without restoring the combustion, avoiding the creation of pollutant associated with high flame temperature. It operates thermochemically, offering a more direct and efficient approach for power generation. Working mechanism क्या कहता है? Similar to batteries, fuel cell continuously produce electricity and heat as long as the fuel is supplied, comprising negative and positive electrodes surrounding the electrolytes. A fuel cell uses hydrogen as the fuel and air as the oxidizer. Through electrochemical reaction, it converts hydrogen molecules into protons and electrons, creating a seamless flow of electricity. वही जिसको मैंने डिस्कस किया कि पॉजिटिव जो है बीच में प्रोटॉन्स इस तरफ से इस तरफ राइज कर जाएंगे, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स की लेयर होगी, और यहाँ से हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं पॉजिटिव वाले इधर क्रॉस करके इधर चले जाएंगे, इधर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, हवा बीच में आएगी, इनको मिल जाएगी, और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। बस ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है, और ये नहीं कि नया है, कुछ बड़े लंबे टाइम से इसके ऊपर काम चल रहा है, बहुत टाइम से इसके ऊपर काम चल रहा है, पर अभी जो है रिसर्च बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई। जहाँ जहाँ बनी है वो ठीक ठाक काम कर रही है अभी, मतलब मास लेवल के ऊपर प्रोडक्शन नहीं है, ऐसा कि 500-700 बैटरी बना दी, मास लेवल के ऊपर काम नहीं है अभी। देखो आने वाले टाइम के अंदर जरूर होगा, रिसर्च जब और आगे एडवांस लेवल पर जाएगी। तो बेनिफिट्स ऑफ फ्यूल एनर्जी, क्लीन एनर्जी है, प्रोड्यूसर्स ओनली वाटर एंड हीट, वही डिस्कस किया, जब ऐसा काम करेगी तो उससे हीट भी निकलेगा और वाटर भी प्रोड्यूस होगा। ओनली वाटर एंड हीट, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, हाई एफिशिएंसी, अचीव्स एफिशिएंसीज अप टू 60%, मिनिमाइजिंग वेस्ट। देखो बेटा
अब इसकी एफिशिएंसी 60% है। जब हम लोग जनरेटर में जब पेट्रोल डालते हैं ना, डीजल पेट्रोल डाल के जब हम जनरेटर चलाते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसकी जो पोटेंशियल होता है वो 30% से ज़्यादा का नहीं होता। इसका मतलब 60% के हिसाब से ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, और जनरेटर 30% मैक्सिमम 30% पर आके ख़त्म हो जाता है। नॉर्मली नया जनरेटर जो है वो 15-20-25% उससे ज़्यादा नहीं था। अगर नया होगा तो 30% तक उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, पुराने जनरेटर्स की धीरे धीरे एफिशिएंसी कम होती जाती है। तो यहाँ पर क्या है, इफेक्टिवनेस इसकी 60% है, उनकी इफेक्टिवनेस सिर्फ 30% तक रह जाती है। और फिर वहीं पर, वहाँ पर भी वही आस्पेक्ट है, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उससे बिजली बन रही है, और यहाँ पर डायरेक्ट केमिकल एनर्जी से बिजली बन रही है। बस इतना ही है, इसमें और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो एप्लीकेबल टू वेरियस सेक्टर्स एड्रेसिंग इंडियाज डाइवर्स इमर्ज डिमांड और रिलायबिलिटी, सूटेबल फॉर क्रूशियल एप्लीकेशन ड्यू टू द कंटीन्यूअस एंड रिलायबल एनर्जी सप्लाई। बस यही है। चैलेंजेस हिंडरिंग एडॉप्शन इन इंडिया, हाई कॉस्ट, बस ये एक ड्रॉबैक है इसका, कॉस्ट हाई है। जो नितिन गडकरी ने गाड़ी मंगवाई है वो पीछे 70-80 लाख रुपए की है, इसी करके हम लोग कह रहे हैं कि पॉसिबल तो है, बट अभी टेक्नोलॉजी बहुत महंगी, आने वाले टाइम के अंदर और सस्ती हो जाएगी। रिलायबिलिटी रिलेटिवली एक्सपेंसिव कंपेयर टू द ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज। अब क्योंकि एनर्जी सोर्सेज सस्ते हैं, पता है जनरेटर 20,000 का आ जाएगा, ये आएगी 2 लाख रुपए की जाके इसकी बैटरी, जो फ्यूल सेल जो होगी तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए की होगी, तो वाला छोड़ो, पर यही बेटर है। सो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशिएंट सपोर्ट फॉर वाइड स्प्रेड अडॉप्शन। उसके बाद टेक्निकल हर्डल्स क्या है, ऑनगोइंग चैलेंजेस इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, पॉलिसी लिमिटेशंस, एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्टिंग फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। फर्दर लुकआउट इन इंडिया, आउटलुक इन इंडिया, डिस्पाइट चैलेंज इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेस द पोटेंशियल ऑफ फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लाइक द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी एम टू पोजिशन इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड फ्यूल सेल एप्लीकेशन। दिस अलाइंस विद इंडियाज गोल टू अचीव सेल्फ सफिशियंट थ्रू क्लीन एनर्जी, सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर ग्लोबल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। न्यू समरी, इसरो रिसेंटली सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेटेड इन्वॉल्विंग अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल सेंट टू द स्पेस, PSLV 4th stage, PSLV से, PSLV मतलब पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV 4th stage ऑफ जनवरी 1st जनरेटिंग 180 वॉट पावर ड्यूरिंग द टेस्ट। दीज सेल्स होल्ड प्रॉमिस फॉर ह्यूमन स्पेस मिशन। इसरो चेयरपर्सन एस सोमनाथ सीज देम एज प्रीकर्सर्स फॉर फ्यूचर पावर सिस्टम्स फॉर स्पेस स्टेशन। द एजेंसी प्लान्स मल्टीपल टेस्ट व्हीकल्स मिशंस एंड अनमैन्ड स्पेस फ्लाइट अंडर द गगनयान मिशन, शोकेसिंग द पोटेंशियल ऑफ दीज जीरो इमिशन सेल्स विच में ऑल्सो फाइंड एप्लीकेशन ऑन टू अर्थ रिप्लेसिंग कन्वेंशनल व्हीकल इंजन। तो व्हीकल इंजन चेंज हो जाएंगे, उसकी जगह ये आ जाएंगे हाइड्रोजन वाले, और हीट भी प्रोड्यूस करेंगे, पानी भी प्रोड्यूस करेंगे, उससे कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, खुद की एनर्जी डिमांड फिर बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन जो है इस बार आ सकता है प्रीलिम में, और कोरल ब्लीचिंग, हाँ बेटा हाँ हो सकता है, उसमें ऑयल स्पिलेज होगा तो कोरल ब्लीचिंग हो सकती है, यू आर राइट। मालदीव गवर्नमेंट रिसेंटली सस्पेंडेड 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स, पता ही होगा आप लोगों को, मेकिंग डेरोगेटरी रिमार्क अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन सोशल मीडिया, सेटिंग अप द सीन द सोशल मीडिया स्टॉर्म, सोशल मीडिया डिस्प्यूट इग्नाइटेड व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी शेयर्ड पोस्ट प्रमोटिंग टूरिज्म इन लक्षद्वीप आइलैंड, मालदीवियन यूजर रिस्पॉन्सेड विद ऑफेंसिव रेसिस्ट एंड जैनोफोबिक कमेंट्स इंक्लूडिंग द 3 सस्पेंडेड मिनिस्टर्स, एक्यूजेशंस एंड एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स एम्प्टेड द एक्सचेंज। सम मालदीवियन सोशल मीडिया यूजर्स एक्यूज इंडिया फॉर अटेम्प्टिंग टू कम्पीट एज ट्रॉपिकल वेकेशन डेस्टिनेशन, स्पार्किंग अ स्लू इन रेसिस्ट रिमार्क अगेंस्ट इंडिया एंड इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग इन द मालदीव्स। देखो बेटा, मालदीव आज ऑफेंसिव हो सकता है, कह सकता है कि इंडिया ने ऐसा ऐसा किया है, तो हाँ, क्योंकि इंडिया और जो मालदीव्स हैं उसके रिलेशन जो इस टाइम पे कॉन्स्ट्रेंड रिलेशन हैं, तो उसकी वजह से कह सकता है। बट द पॉइंट इज, नरेंद्र मोदी ने 2017 या 2018 में 26 जनवरी, हाँ शायद 26 जनवरी को या 15 अगस्त को, अपने भाषण में कहा था कि बहुत सारे इंडियन जो हैं हर साल फॉरेन कंट्रीज के टूर पर जाते हैं, और होता क्या है, फॉरेन कंट्री के टूर पर गए आप, 3-4 लाख रुपया बाहर की इकोनॉमी को दे के आए,
और अगर आप वही पैसा इंडिया में 10 टूरिस्ट जो डेस्टिनेशंस हैं अगर उसके पास आप पैसा खर्च करके आएंगे तो पैसा इंडिया में रह जाएगा ना, और इंडियन टूरिस्ट इंडस्ट्री को थोड़े बहुत जो बूम मिलेगा। ही सेड कि हो सकता है कि कंडीशन बहुत अच्छी नहीं हो, वहाँ पर आपको कोई चोर भी मिले, ठग भी मिले, इसकी पॉसिबिलिटी जितनी इंडिया में है उतनी बाहर भी है, वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है आपको खाना बहुत अच्छा नहीं मिले, बट द पॉइंट इज एक बार विजिट करना शुरू करो, अगर आपने करना शुरू कर दिया तो वहाँ पर चीज़ें बेटर भी होंगी। और उसी में लक्षद्वीप भी आता है कि वो पैसा अपना मालदीव लेकर जाना, अल्टीमेटली तो यही है ना कि आप कोस्टल एरियाज में गए हैं कहीं पर समंदर के आसपास, आपने बीच टाइम इंजॉय किया है, तो वो लक्षद्वीप में भी पॉसिबल है, अंडमान निकोबार में भी पॉसिबल है। तो बेटर है कि हर कंट्री को राइट है अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने का। और अगर नरेंद्र मोदी वहां गए विजिट किया तो बोला तो कुछ नहीं ना, मालदीव अपने आप में ऑफेंसिव हो गया, कुछ स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं है वो, इस करके गए। हमने डिस्कस भी किया कि वहां पर वो सी लाइन जो है केबल बिछाना था ऑप्टिकल फाइबर, इसके लिए उन्होंने नेगलेक्ट करना था, दो दिन वहां स्टे कर लिया, और अपनी कंट्री में हम जो भी कर सकते हैं, इसमें मालदीव ऑफेंसिव क्यों हो रहा है ना, उसके बाद फिर रिएक्शन आया। ये सब चीज़ें बहुत प्री प्लान्ड होती हैं, पता था मालदीव का रिएक्शन आना है, मालदीव का रिएक्शन आएगा बहुत सारे इंडियन कमेंट करेंगे। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर का ये जो दौरा है, ये जो विजिट किया उन लोगों ने, ऐसे साइलेंट ही रह जाता अगर इसको इतना हाईलाइट नहीं करते। अब वो खबर अच्छी बनी या बुरी बनी, पॉइंट ये कि जो लक्षद्वीप है वो हाईलाइट हो गया। अब जिसको जाना है, बहुत सारे लोगों ने टिकट कैंसिल करा दी, कभी कंपनी भी है माई ट्रिप करके, ऐसी कुछ कंपनी है, उसने भी कह दी हम सारी बुकिंग कैंसिल कर दी, और सचिन तेंदुलकर आ गए उसमें, कई सारे और बड़े लोग आ गए। अब कुल मिला के ये कि लक्षद्वीप के दिन सुधरेंगे, वहाँ लोग जाएंगे, अटॉल देख के आएंगे वहाँ पर, है ना, उसके साथ साथ वहाँ पर वो जो कोरल रीफ्स हैं वो भी देखने का मौका मिलेगा। पॉजिटिव है, अच्छी बात है इंडिया के लिए, और कई बड़ी खबरें बनाई जाती हैं। हाँ, अब आपको क्या करना है, आपके ज्योग्राफी के नोट्स में लक्षद्वीप को ठीक से पढ़ना है, कौन कौन सा आइलैंड कहाँ पर है, लक्षद्वीप के अंदर लक्षद्वीप आइलैंड है, मिनी कोए हैं, कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल यहाँ से क्रॉस करता है, और मिनी कोए इंडिया का लास्ट पॉइंट जो है मिनी कोए है, और कवरत्ती आइलैंड है, बाकी सब अमीनी द्वीप आइलैंड हैं। इन सबको जाके एक बार अच्छे से देखना है, और आपके नोट्स को आपको एक बार रिकॉल करना है, बस इतना ही करना है। बाकी हम लोग यहाँ पे न्यूज में डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। एक्विजिशन एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स, उसके बाद इंडियंस एंड इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग द मालदीव्स, एक्सप्लोरिंग लक्षद्वीप, क्या कहता है, इंट्रोड्यूसिंग टू लक्षद्वीप इंडिया स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, कंप्राइजिंग 36 आइलैंड्स हैं, ओवर 32 स्क्वायर किलोमीटर, इट इज यूनियन डिस्ट्रिक्ट यूटी है, उसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं और यूटीज हैं, सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, विद 12 एटॉल्स, 3 रीफ्स, 5 सबमर्ज्ड बैंक्स and 10 inhabited islands, Kavarthi serves as both the capital and principal town. इसी से रिलेटेड पॉलिटिक एक क्वेश्चन भी है, Kavarthi को कौन सा हाई कोर्ट पड़ता है, या सॉरी लक्षद्वीप कौन से हाई कोर्ट में जाएंगे, लक्षद्वीप के लोग कौन सा हाई कोर्ट, चेक करना बेटा जाके, और अपने पास नोट कर लेना। और उसके बाद ज्योग्राफिकल जो मेरे को पता है, इस करके मैं आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, आप खुद से सर्च करोगे, एक बार लिख लोगे, आपका कभी ये क्वेश्चन भूलोगे नहीं, कभी गलत नहीं होगा। सिचुएटेड बिटवीन 8 डिग्री टू 12 डिग्री 13 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 71 डिग्री 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, लक्षद्वीप लाइज टू 20 to 440 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोच्चि एंड केरला, द मैरिटाइम बाउंड्री विद द मालदीव्स रन थ्रू द 8 डिग्री चैनल एंड द 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनी कोए फ्रॉम द मेन लक्षद्वीप आर्चिपेलागो, बीच में से 9 डिग्री चैनल क्रॉस करता है और मिनी कोए हमारा लास्ट द्वीप है, लास्ट आइलैंड है। कोरल एटॉल्स एंड डेमोग्राफी, प्रीडोमिनेंटली कोरल एटॉल्स लक्षद्वीप आइलैंड्स आर फॉर्म्ड बाय कोरल रीफ्स सराउंडिंग लैगून्स, एज पर 2011 सेंसस इट हाउसेस अ पॉपुलेशन ऑफ 64,429 with over 93% being indigenous Muslim, mostly of Shafi school within the Sunni sect. Malayalam is spoken in all islands except Mini Koi, where Mahal is spoken, written in Dwehi script, also spoken in Maldives, classified as scheduled tribe. Lakshadweep has no scheduled caste. तो आपसे atoll का question पूछ सकते हैं, what is atoll? ठीक है? और लक्षद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, मालदीव से हो गया, लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, कोर्ट कौन सा पड़ता है, और इसके साथ साथ लैंग्वेज कौन कौन सी है, महल, और पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है,
और शफी स्कूल विद सुन्नी सेक्ट से ज़्यादा आते हैं, रिटन इन द्वीही स्क्रिप्ट आती है यहाँ पे, और कनेक्टिंग द डॉट सिग्निफिकेंस ऑफ लक्षद्वीप डिपेंडेंसी ऑन मालदीव टूरिज्म एंड एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स. टुडेज आर्टिकल डेल्व्स इनटू द सिग्निफिकेंस ऑफ लक्षद्वीप टू इंडिया, द मालदीव्स रिलायंस ऑन टूरिज्म एंड प्रेजेंस ऑफ एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स अमंग अ सेक्शन ऑफ मालदीवियन पॉपुलेशन. क्लाइमेट इनसाइट इन लक्षद्वीप. लक्षद्वीप एक्सपीरियंसेस अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैरेक्टराइज्ड बाय वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन थ्रू आउट द ईयर. ऑब्वियसली गर्मी रहेगी सारा साल. तो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया क्या है? प्रॉक्सिमिटी ऑफ शिपिंग रूट्स. लोकेटेड स्ट्रेटेजिकली लक्षद्वीप प्रॉक्सिमिटी टू मेजर इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स एनहांसेस इंडियाज मैरीटाइम इन्फ्लुएंस. द 9-degree चैनल सर्व्स एज द क्रूशियल पैसेज ऑफ शिपिंग बिटवीन द मिडल ईस्ट, यूरोप, वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. लक्षद्वीप कॉन्ट्रीब्यूट्स इंडियाज ईईजेड प्रोवाइडिंग राइट फॉर द एक्सप्लॉयटेशन एंड यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज इन द सराउंडिंग वाटर्स. Through the Maldives, India gains access to the significant 20,000 square kilometer of sea, fostering activities like fisheries, oil, gas exploitation and more. Maritime security. India's Navy coast utilize island of strategy base. ये देखो बेटा, मालदीव में जाने वाले हमारे टूरिस्ट इंडिया के सबसे ज्यादा हैं 2023 के अंदर. 2,09,198 और लगभग इतने ही रशिया के लोग हैं, ऑलमोस्ट आसपास बराबर ही है. चाइना के 1,87,000 हैं और यूके, जर्मनी, इटली जाते तो सारे लोग हैं पर इंडियन और रशियन सबसे ज़्यादा जाते हैं. इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? द सीनिक एल्यूर ऑफ लक्षद्वीप मेक्स इट प्रोमिनेंट टूर डेस्टिनेशन. द आइलैंड कॉन्ट्रीब्यूट्स कहाँ, ये बेटा ये टूरिस्ट मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट का ये चार्ट दिया हमने यहाँ पे. आइलैंड कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू इंडियाज फिशरी रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी एंड मरीन लाइफ. The coral atoll and surrounding water host diverse marine life including coral reef and various fish species. और fish species हमने discuss किया बेटा, कौन कौन सी fish species हैं यहाँ पर. इंडिया की जितनी fish species वाले जितने question किए हम लोगों ने, एक question fish का पक्का आएगा इस बार और एक question चिल्का lake का आने के chances हैं इस बार, जरूर आएगा, news में है बहुत ज़्यादा. और Maldives relies on tourism. The Maldives heavily relies on tourism constituting over 28% of its GDP. मालदीव की बात कर रहे हैं हम लोग और इंडियन टूरिस्ट वहां पे सबसे ज्यादा जाते हैं. इंडियन टूरिस्ट कंसिस्टेंटली रैंक अमंग द टॉप 10 नेशनलिस्ट विजिटिंग द मालदीव्स इन 2023. इंडियन कंप्राइजेस लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टूरिस्ट एक्सीडिंग 2 lakh ट्रेवलर्स फॉलोड बाय द टूरिस्ट ऑफ रशिया एंड चाइना. एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स इन मालदीव. इंडिया आउट कैंपेन इमर्ज इन 2022 स्टार्टिंग ऑन ग्रुप प्रोटेस्ट एंड एक्सपांडिंग क्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. पॉलिटिकल डायमेंशन क्या कहती है? एट द लेटर हाफ ऑफ 2021 The campaign evolved into the active political movement together, targeting various aspects of Indian-Maldives bilateral relations. और हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है, ये बनाया हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कल पोस्ट किया था फेसबुक के ऊपर. और क्वेश्चन क्या है? Which of these is a traditional folk dance of Lakshadweep? इसका आंसर जो है आप लोग दोगे. आंसर क्या है? ऑप्शंस कौन कौन सी हैं? कलरीपयट्टू, गरबा, लावा और लावणी. कौन सा हो सकता है? कलरीपयट्टू, गरबा, लावणी और लावा. ऐसी गेस करो. आपको ने सारे लिखे हुए अपने आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में, हम लोगों ने सारे आंसर्स लिखे हुए हैं. एक जो है आपको आंसर करना है. हाँ, लावा, क्योंकि लावणी तो महाराष्ट्र का है डांस, गरबा गुजरात का है, कलरीपयट्टू ये केरला का है, तो बचा सिर्फ लावा, यही इसका आंसर है. तो मिलिट्री प्रेजेंस कंट्रोवर्सी. सपोर्टर्स क्लेम द कैंपेन प्रोटेस्टेड व्हाट दे परसीव्ड एज इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस इन मालदीव्स. बड़े लंबे टाइम से इंडियन मिलिट्री मालदीव्स के अंदर है. रीजन उसके पीछे 80s या 90s में श्रीलंका ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और जब उसने अटैक किया तो इंडियन आर्मी ने मालदीव्स को प्रोटेक्ट किया था श्रीलंका से. पॉपुलेशन बड़ी थोड़ी है, 5 lakh के आसपास सिर्फ मालदीव्स की पॉपुलेशन है और तब से इंडियन मिलिट्री वहीं पर ही है, उसका बेस वहीं पर है इंडियन मिलिट्री का. अब ये कह रहे हैं कि वहाँ से अपनी मिलिट्री हटाओ, जो मिजू वहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं, यहाँ से अपनी मिलिट्री हटाओ.
अब मिलिट्री हटाते हैं तो उसकी एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी इंडिया के लिए। श्रीलंका के अंदर तो चाइना पहुंच गया और मालदीव को हम लोगों ने कंट्रोल में रखा हुआ है, लक्षद्वीप है, मालदीव हैं, लक्षद्वीप तो अपनी टेरिटरी हो गई, तो मालदीव में अगर हमारी फोर्सेज हट गई, सब कुछ हट गया, तो हम लोगों ने हार्ड हार्ड काट दी। इतने साल हेल्प भी की उन लोगों की, हेलीकॉप्टर भी दिए, टूरिज्म भी दिया उन लोगों को। तो कोई भी कंट्री अपने नेशनल ट्रस्ट, बड़ी कंट्री कम से कम अपने नेशनल ट्रस्ट इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। उसका रिएक्शन वहाँ से आएगा, अब वहाँ से रिएक्शन आएगा तो एक्शन इंडिया की तरफ से भी होगा। तो पंजाबी की कहावत कि कुबड़े को मारी लात, कुबड़े को रास आ गई, तो इससे अपना टूरिज्म बढ़ गया। तो मिलिट्री प्रेजेंस कंट्रोवर्सी, सपोर्टर क्लेम्ड, कैंपेन प्रोटेस्ट, व्हाई परसीव्ड इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस इन मालदीव्स, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या है। इन दिसंबर 23 ड्यूरिंग द कोप 28 क्लाइमेट समिट, प्रेजिडेंट मुइजू अनाउंस इंडियाज एग्रीमेंट टू विदड्रॉ सोल्जर्स स्टेशन इन द मालदीव, दीज सोल्जर्स मैनेज हेलीकॉप्टर्स एंड एयरक्राफ्ट प्रोवाइडेड बाय इंडिया। तो इंडिया ने उनको गिफ्ट किए हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अपने हेलीकॉप्टर भी ले जाओ, एयरक्राफ्ट भी ले जाओ। इन 2022 इंडिया एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ ऑफ 495 मिलियन टू मालदीव्स, एक्सपोर्ट किया हम लोगों ने उसको, कितने का? 495 मिलियन डॉलर का। अब चाइना उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, चाइना के लिए तो मार्केट हो गया अपने आप में। देन उसके बाद मालदीव इकॉनमी इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन इट्स टूरिज्म सेक्टर एंड हैज बीन प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर साउथ एशिया फॉर इट्स एक्विजिट बीचेस, लग्जूरियस स्टेज एंड डिलीशियस सी फूड। इंडिया हैज ऑल्सो बीन अ कंसिस्टेंट फॉर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू द टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ द मालदीव्स। हाँ, अब ये न्यूज थोड़ी सी डिटेल में है। इसरो सक्सेसफुली फ्यूल सेल टेस्ट अनवीलिंग द फ्यूचर ऑफ स्पेस मिशन। इसको बेटा आप लोगों को पढ़ना है, ये एडिटोरियल का पार्ट है। फ्यूल सेल को रिलेटेड हमने न्यूज डिस्कस कर ली है और ये एडिटोरियल है। प्रोस्पेक्टिव ट्रैजेक्टरी क्या है ये आप लोगों को खुद करना है इसको एक बार, और इसके अपने नोट्स बनाओ। उग्राम अलीव इंडिजीनियस फायर पावर। ये उग्राम इंडिया ने अपनी अपनी एक गन बनाई है DRDO ने, और ये असॉल्ट राइफल है। और ऑब्वियसली अमेरिका के पास भी, दुनिया के हर कंट्री के पास इस तरह की गन्स होती हैं, बट हमने डिस्कस किया कि बहुत लंबी रिसर्च के बाद कोई गन आपकी सक्सेसफुल होती है, कोई पिस्टल आपकी सक्सेसफुल होती है, क्योंकि उसमें पेटेंट इश्यूज बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये इंडिया ने अपनी गन बनाई है और DRDO has recently unveiled Ugram, a cutting-edge indigenous assault rifle developed by Armament Research and Development Establishment ARDE in collaboration with private industry partner. Remarkable, the rifle was crafted in 100 days, addressing the General Staff Qualitative Requirements GSQR of Indian Army. Feature kya hai iske, caliber dominance kya hai? Ugram stand out with its development for 77.62mm caliber round, surpassing the firepower of rifles using 5.56mm caliber round, such as widely used in SAS rifle by the Indian Armed Forces and Paramilitary Forces. इससे पहले Indian Small Arms System के साथ नाम से एक पहले भी गन बना चुके हैं, और वो जो गन बनाई थी वो नई वॉर स्ट्रेटेजी का एस्पेक्ट थी। फिर बाद में चल के रियलाइज़ हुआ कि इन SAS जो है वो उसको रिप्लेस किया जाना चाहिए, उसकी जगह कोई और अच्छी गन लेके आए। और फिर उसमें हम लोगों ने ये भी बनाई है, और ध्यान रखना हम लोग रशिया के साथ मिल के AK-47 एडवांस वर्जन, एडमिरल क्लाशनिकोव जो गन है उसके और एडवांस वर्जन बना रहे हैं अमेठी में, जहां से स्मृति ईरानी जहां से MP हैं। तो इंडिया और रशिया की डील हो गई है, बस अभी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होनी है वहां से, और पिछले लंबे टाइम से प्रोजेक्ट अटका हुआ है, गन वहीं बनेगी। और उसके बाद इंडिया ने अपनी भी ये वाली बना दी है। फॉर्मिडेबल रेंज क्या, बोस्टिंग इफेक्टिव अप टू 500 मीटर, उग्राम इज डिजाइन टू डिलीवर प्रिसीशन एंड कंसिडरेबल डिस्टेंस। तो वेटिंग लेस देन 4 किलोग्राम इसका वजन है, द राइफल कंबाइंस पावर एंड पोर्टेबिलिटी, इनहेंसिंग द एजिलिटी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन द फील्ड। रोबस्ट मैगजीन इक्विप्ड विद 20-राउंड मैगजीन, उग्राम कैन अनलीश रोबस्ट एंड सस्टेन्ड फायर फीचरिंग अ फुल ऑटो मोड ऑफ इनहेंस्ड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें एक एक करके की भी बुलेट फायर हो सकती है, और इसकी मैगजीन में 20 गोलियां हैं एक बार में। तो इसका साइज देख के पता चल रहा है कि बुलेट का साइज कंपैटिबली बड़ा है, और इसमें 20 गोलियां हैं एक बार में, और ये बस्ट फायर भी हो सकता है, एक बार में चला के सारी गोलियां निकल सकती हैं, और एक एक करके भी चलाई जा सकती है। फुल ऑटो मोड अनलीश रोबस्ट एंड सस्टेनेबल फायर फीचरिंग अ फुल ऑटो मोड एंड एनहेंस्ड फ्लेक्सिबिलिटी। स्टडी डेवलपमेंट द स्पीडी डेवलपमेंट द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ उग्राम इज लेस देन 100 डेज, शोकेस द DRDO's कमिटमेंट टू मीटिंग द स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी प्रॉम्प्टली। स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन क्या है, तो कोलैबोरेशन बिटवीन ARDE एंड प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर,
underscores the synergy between government research institutions and the private sector in advancing indigenous defense capabilities. Implication kya kehte hain? UGRAM emerges a significant addition to India's defense arsenal, symbolizing stride towards self-sufficient defense manufacturing and meeting the evolving needs of the armed forces. तो इसमें सब चीज़ें लगाई जा सकती हैं, ऊपर लगाया जा सकता है, आगे ये लगाई जा सकती है, संगीन कहते हैं इसको, और काम आती है मैगजीन छोटी बड़ी कई सारी और चीज़ें हैं इसमें, चेंज किए जा सकते हैं, और ये इसकी रियल पिक्चर है इसकी। मैगजीन बड़ी है, 20 गोलियाँ पड़ेंगी इसके अंदर, बाकी इसमें कई सारे इक्विपमेंट और लगाए जा सकते हैं इसको और लीथल बनाने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस unveiled a glimpse into the future. भी और टाइम लगेगा, मुझे लगता सबसे लंबी क्लास आज ही कर रहे हैं हम लोग। लावा क्या है बेटा, क्या कमेंट में क्या किया लावा? क्या लिखा है लावा आप लोगों ने? अब मैं समझ नहीं पाया क्या यहाँ पे लावा कहाँ लिखा है। नीतू एंड अनीश क्या लिखा बेटा लावा, मैं समझ नहीं पाया व्हाट इज लावा। अच्छा डांस, सॉरी ठीक है ठीक ठीक, वो डांसर। चलो ठीक है आगे। Artificial intelligence unveiled a glimpse into the future. Understanding AI, artificial intelligence stands for forefront technological advancement, sparking both awe and apprehensive. Defined as the replication of human-like problem-solving, decision-making ability, computer and machines, AI explores the realms of the understanding human intelligence through computational process. The key strength, leveraging data, enhance efficiency, accuracy, decision making across diverse industries. Expanding horizons kya hai? AI is undergone exponential growth, permeating various sectors, revolutionizing process and shaping the future landscape, its application span and wide spectrum. Aur hum log us wide spectrum mein, aap logon ko yaad hoga, hum logon ne ek गजराज करके एक स्कीम डिस्कस की थी थोड़े दिन पहले, गजराज एप्लीकेशन, शायद आप लोगों को याद होगा गजराज एप्लीकेशन। हमने डिस्कस किया था कि एआई को यूज करेंगे और उसके थ्रू एआई के यूजेस से अगर रेलवे ट्रैक के ऊपर वेट बढ़ेगा, हाथी जैसा वेट कुछ आएगा तो वो सिग्नल कर देगा कि आगे हाथी हैं, तो वहां से स्टेशन मास्टर ट्रेन के ड्राइवर को मैसेज भेजेगा कि आगे हाथी हैं, क्योंकि AI से पता चला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता चला है कि रेलवे गेज के ऊपर, रेलवे ट्रैक के ऊपर एक्सट्रीम वेट है, वहाँ पर 2-3-4-5 हाथी या एक हाथी भी हो सकता है, इसके लिए ट्रेन की स्पीड स्लो रखना। तो वो भी AI का ही यूजेज है, तो AI की यूजेज और मिस यूजेज दोनों होंगी, ये तो ऑब्वियस है, होगा ही। और रिटेल इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इसका क्या रोल है? टेक्नोलॉजी रीशेप स्टॉक मैनेजमेंट, ऑफरिंग पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस, ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन ऑपरेशंस इन रिटेल सेक्टर। तो यहाँ पर अपने आप सामान बिकता जाएगा, आपको डाटा मेंटेन नहीं करना, मुनीम नहीं बिठाना है जो मेंटेन करके कितना डाटा निकल गया कितना रह गया, AI अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा कितना स्टॉक निकल गया कितना रह गया। उसके बाद वेयर हाउसिंग एफिशिएंसी सेम, रोबोट्स स्ट्रीमलाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एनहेंस द ऑर्डर फुलफिलमेंट, वेयर हाउस ऑप्टिमाइजिंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हेल्थ केयर रेवोल्यूशन कैसे होगा, AI एल्गोरिथम एनालाइज एक्सटेंसिव पेशेंट डाटा, बहुत सारे पेशेंट्स का डाटा इकट्ठा करेगा, तो सब लोगों का एक जैसी बीमारी होगी, जहां एक जैसी बीमारी होगी, जिसके सिम्टम एक जैसे होंगे, तो AI उसके अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन जो है डॉक्टर तक पहुंचा देगा, इसको ये वाली बीमारी हो सकती है डायग्नोज करो, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो इसके टेस्ट वगैरह कराओ, अगर प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई तो फिर उस हिसाब से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डॉक्टर के काम को ईजी कर दिया कि उसने सारे सिम्टम इकट्ठे किए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं इसकी। तो एल्गोरिथम एंजाइम एक्सटेंसिव पेशेंट डाटा, आइडेंटिफाई पेटेंट्स एंड एनहेंस डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, इट एड्स टू ड्रग डेवलपमेंट, प्रिसाइज डिसीज डायग्नोसिस एंड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल जेनेटिक एंड क्लिनिकल डाटा।
एजुकेशनल इन्हेंसमेंट, पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस एंड रियल टाइम फीडबैक फैसिलिटेट थ्रू AI पावर्ड चैटबॉट असिस्ट स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्म एजुकेशन डिलीवरी, कंपैरेटिवली बेटर होगी, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी स्टूडेंट्स को। हेल्थ केयर रेवोल्यूशन, एनालाइज एक्सटेंसिव पेशेंट डाटा हो गया है, सॉरी ये दो बारी न्यूज डिस्कस हो गया, पॉइंट डिस्कस हो गया। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या है, AI असिस्टेंस ऑपरेशंस कंट्रीब्यूट टू रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन एंड रिड्यूस वेस्ट, अलाइन द एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। फाइनेंशियल सेक्टर एडवांसमेंट होगी, फ्रॉड डिटेंशन पता चल जाएगा, क्रेडिट वर्दीनेस पता चल जाएगी, मार्केट ट्रेंड एनालिसिस हो जाएगा, कस्टमर सर्विसेज, AI प्ले पिवोटल रोल इन द रीशेपिंग द फाइनेंशियल लैंडस्केप। उसके बाद बिजनेस ऑटोमेशन एंड इनसाइट्स होगा, तो AI असिस्ट बिजनेस लीडर टू ऑटोमेटिंग प्रोसेस, गेनिंग इनसाइट थ्रू एडवांस एनालिटिक्स, एंगेजिंग विद कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज थ्रू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग चैटबॉट्स, स्मार्ट सिटी इंटीग्रेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज वेयर इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज फैसिलिटीज एफिशिएंट डाटा फ्लो बिकमिंग अ ग्लोबल नॉर्म, AI कंट्रीब्यूट्स टू सीमलेस कनेक्टिविटी टू ट्रैफिक सिग्नल्स, स्ट्रीट लाइट, सिक्योरिटी कैमराज, सब जगहों के ऊपर AI काम करेगा। नेविगेटिंग चैलेंजेस AI लैंडस्केप, ए क्रिटिकल ओवरव्यू, प्राइवेसी, एनोनिमिटी, ऑटोनॉमी कंसर्न्स, AI मैनिपुलेशन कैपेबिलिटीज इन इकोनॉमिक एंड पोटेंशियल पॉलिटिकल डिसीजंस, पोज थ्रेट टू द प्राइवेसी, एनोनिमिटी एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, डिजिटल वॉर इन इमर्जिंग एम्पायर्स, ऑनगोइंग डिजिटल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन US चाइना हाईलाइट द इमर्जेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिजिटल एम्पायर्स विद कोलैबोरेटिव एंड कॉन्फ्लिक्टिंग डायनामिक्स, मीडिया एंड रिसर्च एप्लीकेशंस। अब बेटा ये सारी फैक्चुअल डाटाज हैं, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, ये सब आपके मेंस के लिए बहुत इफेक्टिवली काम करेगा। मेंस के आंसर में देयर इज पॉसिबिलिटी कि अगली जो नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम होगा ये वाला, इस एग्जाम के अंदर तो AI से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो ऐसे की फॉर्म में भी हो सकता है और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन के अंदर यानी कि पेपर 3 के अंदर भी वो हो सकता है। तो डाटा प्राइवेसी सिक्योरिटी, कोलैबोरेटिव एफिशिएंसी, एक्सपर्टीज विद मैन पावर शॉर्टेज, डीप फेक मिसयूज, ये सब इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वॉरफेयर, है ना, तो देर आर सो मेनी थिंग्स। अब सारा कुछ अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंडेंसी हमारी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, ये भी तो एस्पेक्ट है, बट उसके साथ ये भी है कि उनको टूल्स को और बेटर करके और क्रिएटिव बनाया जा सकता है। और ग्लोबल AI रेगुलेटरी मूड्स, US टेक्नो ऑप्टिमिस्टिक मूड एम्फेसाइजिंग ऑन फ्री डिजिटल मूड मॉडल अलाउइंग द AI इंडस्ट्री फ्रीडम रिलाइंग ऑन फ्री स्पीच ओपन मार्केट, चाइनीज स्टेट ड्रिवन मॉडल, स्टेट ड्रिवन रेगुलेटरी मॉडल कंबाइनिंग पॉलिटिकल कंट्रोल एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सेस अपीलिंग टू डेवलपमेंट अथॉरिटेरियन कंट्रीज, EU ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच, कॉशन फॉर AI यूटिलाइजेशन। बस बेटा ये सब मेंस का एस्पेक्ट है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप एक बार देख लेना, मेंस में हेल्प करेगा ये बहुत। और नेगेटिव एस्पेक्ट तो हर चीज़ के होते हैं, और अगर हम सिर्फ नेगेटिव देखेंगे तो किसी चीज़ को हम डेवलप कर ही नहीं सकते। हाँ, AI आ जाने से बहुत सारे लोगों का वर्कलोड भी कम हो गया, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। कई लोगों का वर्कलोड कम हो गया तो उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स हुए, कई लोगों की नौकरियाँ चली गई, कई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसी से डेवलप भी हो जाएंगी, है ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव सब है AI का, और अगर हम इसके आगे चल के देखें तो एडवांसमेंट में, वॉर में ये यूज़ हो सकते हैं, और इसका यूज़ और मिसयूज़ दोनों पॉसिबल है। तो इस टॉपिक को एक बार आप ठीक से देख लेना, और फिर कल मिलते हैं हम लोग, तो कोशिश करेंगे एक दिन हम लोग सिर्फ प्रीलिम की न्यूज़ डिस्कस करें, और अगले दिन हम लोग आई विल ट्राई कि ऐसा सिस्टम अगर डेवलप हो जाए, अगर नहीं होगा तो दोनों मिक्स रखेंगे। हाँ, पर यह है कि कोशिश करेंगे क्लास थोड़ी जो ना छोटी रखें, कि लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है, तो कोशिश करेंगे थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाए, बट वो चला रहेगा, कोई बात नहीं ना। पॉइंट ये है कि कंटेंट जो है, जो क्वालिटी है वो मिलनी चाहिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, खास फ़र्क नहीं पड़ता है, और फ़र्क इस चीज़ ज़रूर पड़ता है कि आपको जो मटेरियल मिला है वो रिलायबल हो। सो कल मिलते हैं हम लोग, कल इसको कंटिन्यू करते हैं, तो आज इतना ही करते हैं। हाँ, ये 1.5 घंटा बैठना भी बड़ा मुश्किल काम है, लगातार कंटिन्यूस, है ना, और फिर इसके बाद इसको पढ़ना, इसके नोट्स बनाना टास्क तो है, बट इतने बड़े रैंक जो हैं वो ऐसे ही नहीं मिल जाते, UPSC आसानी से तो बनेगा नहीं, एफर्ट तो करने पड़ेंगे आपको। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं हम, कल कंटिन्यू करते हैं।